क्या धोखा हुआ? वो नहीं है, जे बी एम आर लाला, एम आर भी लिखो स्पेलिंग वाला, जे बी एम आर स्पेलिंग कुछ है ही नहीं, वर्ड ही है एम जे बी एम आर। स्कोर कार्ड नीचे चलेगा क्या आपका? हाँ वो चल जाएगा मेरा, वो उसी के साथ। ये इंडिविजुअल मैच है टूर्नामेंट का किसी? इंडिविजुअल। हेलो, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आज इस मुकाबले में जो कि हो रहा है दिल्ली जायंट्स वर्सेस जेके टाइगर्स के बीच में। बैटिंग ऑन कर रही है। अरे यार यही है ना, अपनी चीज मसाला कुछ ना खुले ना दिक्कत हो जाती है। वो तो ठीक है, टॉस टॉस भी बताता हूँ मैं एक बार तरीके से भाई, कलेश नहीं काटना भाई। मेरे में ऐड ही नहीं हुआ इसका, मैं भी नहीं हुआ यार इसके में ऐड, वहाँ तो इसके दिखा रहा था। अरे यार जे के टाइगर, टाइगर से टाइगर है, टाइगर से होंगे ऑफ कोर्स, माय बैड। केवल एक ही रन आया है। अगली गेंद और यहां पे अपील करी है, काफी नजदीक से वो बल्ला निकला गेंद के, एक बार को लगा काफी कन्विंसिंग अपील, लेकिन अंपायर कन्विंस नहीं बिल्कुल भी उस अपील से। उनका ऐसा मानना कि बल्ला गेंद से थोड़ा दूर था। पांच गेंदें इस ओवर में डाली जा चुकी है, एक गेंद अभी डाली जानी बाकी। एक रन यानी कि खाता जरूर खोल चुकी है फिलहाल दिल्ली जायंट्स। एक रन जो गौरव ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट लगा के सिंगल लिया था। अब आखिरी गेंद यहाँ पे डलते हुए इस पहले ओवर की, और काफी अच्छी गेंद बीट किया यहाँ पे बल्लेबाज को डॉट बॉल के साथ, पूरा करते हुए अपना ये ओवर साहिल। एक ओवर के बाद दिल्ली जायंट्स की टीम एक रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। ऊंची कुर्सी होती है ना, व्यू अच्छा मिलता है। अच्छा खोला तुम जे बी एम, जी बी एम आर कर रहे हो भाई? जे बी एम आर, जे बी एम आर तुम जी बी वो लिख दे, तुमने जी बी रोड वाला जी बी, कोई बात नहीं। तुम किस काम आएंगे भैया? आप डाउन कर इसको, तुम खोलोगे ना? चलो मैं दिखाई देता हूँ तुम्हें। नए गेंदबाज सनोज कुमार अब आ रहे हैं बॉलिंग एंड, यहाँ पर चेंज हुआ है कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करते हुए। यहाँ पे सनोज कुमार अपने स्पेल का पहला ओवर डालेंगे पारी का, ये दूसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। फिलहाल केवल एक रन ही लगा है दिल्ली जायंट्स की टीम के स्कोर पे, उनके स्कोरबोर्ड पे विकेट कोई नहीं गवाया है। और काफी अच्छी गेंद, थोड़ा वहां पे स्विंग देखने को मिला, हरकत दिखी गेंद में, उसको खेला है लगभग फाइन लेग की दिशा में, एक रन दौड़ के पूरा किया।
थोड़ा नीचे होता इसको नीचे बांध देते हैं रन इसको ताकि थोड़ा दिख जाए है ना। इतने में तो कुछ फर्क नहीं पड़ना भाई, फर्क नहीं पड़ना लेकिन थोड़ा धूप आ सकता है। अरे ये तो यार तुम्हारा इस पे जो धूप है वो इससे बच रही है ऊपर वाले से। अगली गेंद यहाँ पे डलती हुई, अच्छी गेंद, LBW की अपील और आउट दे दिया अंपायर ने। तो पहला झटका यहाँ पे लग चुका है दिल्ली जायंट्स की टीम को और पहली ही सफलता मिली है जेके टाइगर्स को। प्रज्ञा शर्मा आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बिना खाता खोले, काफी अच्छी वो गेंद थी। भाई काने मत चला रहे, जब वो रन अप पे आ जाता है अब तुमने ध्यान से नोटिस करना, मैं जब भी रन अप से ना पहले मैं चुप हो जाऊंगा उसके, नहीं नहीं उसके बावजूद भी बोलेंगे बाजी। और इसको भी कर दो ना नीचे, मजा ही आ जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी मेरी। अरे यार इसको करना है सिर्फ मेरे भाई, टेंशन की बात ही नहीं दूर दूर तक। भाई खड़े रहना, हिलना मत, हिलता ही तू बहुत ला रहा है इसको। अरे भाई मैं तो थोड़ा सेट हो रहा हूँ यार ताकि थोड़ी लंबी जिंदगी जी पाऊँ। उसको देखो धूप आ रही है, ऐसे ये कह रहे हो इसको थोड़ा इसको बिड़ा कर रख लेंगे। बिड़ा लो भाई, बिड़ा लो इसको नीचे अड़ा लो भाई। अभी अभी हमने देखा सनोज जिन्होंने लिया अपना पहला विकेट और उनकी टीम का भी ये मिला ये पहला ही विकेट जो आया प्रज्ञा शर्मा के रूप में। काफ़ी अच्छी वो गेंद थी सनोज की, अच्छे एरिया में गुड लेंथ में पड़ी और पढ़ के अंदर आई, चकमा खाया वहाँ पे बल्लेबाज, सीधी जाके पैड्स पे लगी। LBW की अपील और अंपायर को कोई संकोच नहीं। अच्छी गेंद, पॉइंट कवर की दिशा में उसको हल्के हाथों से धकेला, एक रन लेने का मौका मिला, तेजी के साथ दौड़ के पूरा करते हुए एक रन। और सागर इसी के साथ ऑफ द मार्क हुए हैं जो कि नए बल्लेबाज आए हैं प्रज्ञा शर्मा के आउट होने के बाद। कुर्सी ऊंची होती तो सारी बातें खत्म। काफी ज्यादा बाहर लेग स्टंप से ये गेंद, वाइड का इशारा अंपायर करते हुए और एक रन दौड़ के पूरा किया तो दो रन आए इस गेंद पे और गेंद भी दोबारा डालनी होगी गेंदबाज को। इस बार उठा के मारा है कवर्स के फील्डर के ऊपर से और गेंद गोली की तरह सीमा रेखा पार, चार रनों के लिए शानदार शॉट ये सागर के बल्ले से निकलता हुआ दिखा। मैं जानते थे फील्डर अंदर है, ऊपर से खेल दिया फील्डर के और गेंद तेजी के साथ सीमा रेखा पार। थोड़ा कर लो, नहीं नहीं कवर तो तुम तो मूव ही करना है तुम्हें, थोड़ा कर लो ना ताकि थोड़ा क्लोजअप मिले। यार यहाँ बार बार ऊपर नीचे होना पड़ रहा साला। एक और अपील यहाँ पे LBW की और आउट दे दिया अंपायर ने। सागर भी यहाँ पर अपना विकेट गवाकर अब पवेलियन की ओर बढ़ते हुए, काफ़ी अच्छी गेंद थी ये भी सनोज की, गुड लेंथ
पे पिच हो गए, हल्की सी अंदर आई तेजी के साथ और चकमा खा गए वहां पे सागर। सागर ने बनाए 5 रन 3 गेंदों का सामना करके, फिलहाल 9 रन से गवा दिए 2 विकेट दिल्ली जायंट्स की टीम ने। एक गेंद अभी भी डाली जानी बाकी इस ओवर में सनोर द्वारा। यार मैच ऑफिशियल पे तुम तो दिख रहे हो, मैं क्यों दिख रहा करवा दी ना लेकिन मेरा है ऐसे आ रहा था दिक्कत ऐसे आ रहा मेरा इसने ऐड तो करा था मैं दिख क्यों मेरा इसको पता नहीं वो अंपायर था कौन था जो आया था नीचे बैठा था जहाँ ही तो नीचे बैठा वो पकड़ने हैं वो देखो कुछ आखिरी गेंद यहाँ पे दूसरे ओवर की डालेंगे सनोज। नए बल्लेबाज आए हैं जीतू जो फिलहाल स्ट्राइक संभालेंगे और सामना करेंगे सनोज का। और ये भी अच्छी गेंद, थोड़ी सी शॉट थी, अच्छा उछाल मिला वहाँ पे। भीड़ जरूर होते बल्लेबाज लेकिन विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पा उस गेंद को। गेंद निकल गई पीछे से मारे का पार 4 रनों के लिए। तो इस ओवर का अंत होता है 4 रन के साथ जो कि आई लग बाय के रूप में। 2 ओवर के बाद दिल्ली जायंट्स की टीम का स्कोर है 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे। कितनी टेक्निकलिटी है, ठंडा पानी चल रहा है, ग्लूकोन भी मिल जाना तो मजा आ जाए। बारी किनारा लेकर गेंद निकल गई वहां पे थर्ड मैन की दिशा में सीमा रेखा पार। स्लिप में मौजूद फील्डर ने डाइव लगा के पकड़ने की कोशिश जरूर की थी, एक मौका था वहां पे उस कैच को लपकने का लेकिन नहीं लपक पाए वहां पे फील्डर और तेजी के साथ गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। फिर से गौरव के बल्ले से निकले ये 4 रन। तो लगातार दूसरा चौका
यहां पर निकलता हुआ गौरव हरगुन के बल्ले से। ये क्या बैकवर्ड डीप बैकवर्ड पॉइंट पे ऐड कर दिया चौका, यहां निकली है गेंद। फिर से इस बार गेंद बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद है, एक ही रन मिलेगा इस बार। भाई इतना लेकिन पूरा दिखे तो मजा आता है ना भाई। फिर मैं क्या करूं, टेलीस्कोप 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 किसके दे क्या। हां तो भाई अब ये तो भाई बेहतर गेंद और बेहतर तरीके से वहां पे खेला जीतू ने, जीतू जो कि रिलेटिवली नए बल्लेबाज हैं। दो विकेट जल्दी गवाए हैं आज दिल्ली जायंट्स ने। दूसरा विकेट जो गिरा था उसके बाद जीतू आए हैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने, साथ निभाने गौरव हरगुन का। गौरव जो कि फिलहाल 9 स्ट्राइक रेंट पे मौजूद है, खेल रहे हैं 11 रनों के निजी स्कोर पे 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया। सीधा खेला, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं, ताकत नहीं थी उस शॉट में, रोका वहां पे मिड ऑन के फील्डर ने फटाफट से गेंद के ऊपर आके, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल। आखिरी गेंद डालेंगे यहाँ पे तीसरे ओवर की साहिल रॉय। काफी अच्छी गेंद, आरबीडब्ल्यू के पीएलआर दे दिया अंपायर ने आउट। बल्लेबाज शॉक्ड रह गए यहाँ पे, थोड़े से नाखुश दिखते हुए यहाँ पे अपने आप से उस डिसीजन से, लेकिन देखिए अंपायर के डिसीजन को आपको मानना ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। देखते ही देखते यहाँ पे तीसरा विकेट भी गवा दिया है दिल्ली जायंट्स ने। इस बार जीतू जो कि अभी अभी यहाँ पर बल्लेबाजी करने आए थे, आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बिना खाता खोले। तीसरे ओवर के आखिरी गेंद पे ये विकेट मिला साहिल रॉय को, उनका ये पहला विकेट, तो खाता उनका खुला है विकेटों का। 3 ओवर के बाद दिल्ली जायंट्स की टीम का स्कोर है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे। चौथे ओवर की यहाँ पे शुरुआत, सनोज कंटिन्यू करते हुए अपना स्पेल, इस बार लेग स्टंप पे डाली थी ये गेंद, एक रन लिया वहाँ पे बल्लेबाजों ने दौड़ के, लेग बाय का इशारा अंपायर करते हुए।
सनोज जो कि दो विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं, केवल दूसरा ही ओवर उन्होंने डालना अभी शुरू करा है, तो अच्छी गेंदबाजी अभी तक करते हुए। ये गेंद भी रही डॉट बॉल, हिमांशु आए हैं नए बल्लेबाज, फिलहाल स्ट्राइक पे मौजूद हैं, सामना किया है उन्होंने अपनी पहली गेंद का। और एक और विकेट यहाँ पे गवा दिया है दिल्ली जायंट्स ने, क्लीन बोल्ड होकर आउट होके जाते हुए हिमांशु पवेलियन की ओर बिना खाता खोले। ये विकेट भी मिला है सनोज को, सनोज काफ़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा स्विंग कर रहे हैं गेंदों को, इस बार गेंद पड़ के अंदर आई और सरप्राइज किया वहाँ पे बल्लेबाज को, सीधी जा घुसी स्टम्प्स के अंदर ये गेंद। चौथा विकेट भी गवा दिया है दिल्ली जायंट्स ने, केवल 24 रनों पे, चौथा महज ये ओवर चल रहा है, तीन गेंदें ही केवल डाली गई हैं। खासी खराब शुरुआत यहां पे दिल्ली जायंट्स की, जिन्होंने आज टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता हुआ। फिलहाल जेके टाइगर्स की टीम ने इस मुकाबले में पकड़ बना ली है, देखना होगा यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी अब रहती है इस टीम की, यानी कि दिल्ली जायंट्स की, क्योंकि चार विकेट जब आप इतनी जल्दी गवा देते हो पारी की शुरुआत में ही, चौथा ओवर केवल शुरू ही हुआ है, चार विकेट आपके डाउन हैं, अभी काफ़ी ओवर्स बचे हुए हैं इस पारी में, लेकिन जिस तरह की शुरुआत यहाँ से हुई है, यहाँ से वापसी आसान नहीं होगी, लेकिन मुमकिन ज़रूर, आपके पास समय है, ओवर्स हैं, देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी, क्या स्ट्रेटेजी अब हमें देखने को मिलती है आने वाले ओवर्स में इस पारी में। इस बार लैक्सम से काफ़ी ज़्यादा बार, कीपर भी कलेक्ट नहीं कर पाया, गेंद निकल गई सीधी सीमा रेखा के लिए पीछे, चार रन यहाँ पर मिलेंगे वाइड प्लस चार रन, तो पांच रन इस गेंद पर मिले दिल्ली जायंट्स को, काफ़ी ज़रूरी ये रन्स हैं उनके लिए, क्योंकि विकटें बहुत जल्दी उन्होंने गंवा दी हैं पूरी चार। गेंद दोबारा डालनी होगी यहाँ पर सनोज को, काफ़ी ख़राब रही है गेंद, और इस मैच का लाइव एक्शन अगर आपको देखना है तो JBMR स्पोर्ट्स ऐप आपको JBMR स्पोर्ट्स ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो, और उस पर आपको इस मुकाबले का, इस मैच का लाइव एक्शन दिखता हुआ, अगर आप चाहते हैं लुत्फ उठाना लाइव कवरेज का इस मुकाबले की, तो JBMR स्पोर्ट्स ऐप आप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। इसने क्या दिया वाइड दिया? एक और चौका यहां पर फाइन लेग की दिशा में निकला, हिमांशु जो कि नए बल्लेबाज हैं ऑफ द मार्क हुए हैं इस शानदार चौके के साथ। एक बार फिर से अपील और यहाँ पे फिर से आउट दे दिया अंपायर ने, तो पांचवा विकेट भी गवा दिया दिल्ली जायंट्स ने। हिमांशु आउट होकर पवेलियन की ओर बढ़ते हुए
हिमांशु ने बनाए केवल 4 रन। ये विकेट भी मिला है सनोज को, तो देखते देखते 4 विकेट सनोज ने ले लिया। ऐसा लग रहा पलक झपकते ही मिल गए उनको ये 4 विकेट। 2 ओवर केवल उनके हुए हैं, पूरे 17 उन्होंने रन दिए और 4 विकेट वो ऑलरेडी ले चुके हैं। दिल्ली जायंट्स की टीम चारों तरफ से फिलहाल मुसीबत के घेरे में दिखती हुई, 33 रनों पे 5 विकेट गवा दिए हैं। 4 ओवर केवल हुए हैं अभी तक इस मुकाबले के। पांच विकेट के नुकसान पे गौरव अभी भी बने हुए हैं पिच पे अपनी टीम दिल्ली जायंट्स के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया है अभी तक। प्रज्ञा, सागर, जीतू, अमित कुमार, हिमांशु देखते ही देखते 2-4 गेंदों का सामना करके ही सिर्फ पवेलियन की ओर जा चुके हैं, डगआउट में बैठे हुए हैं। लगभग आधी टीम ऑलरेडी यहाँ पर पवेलियन के अंदर आउट होके जा चुकी है। तो बढ़िया बात है ना, तब भी सबको जल्दी हो गया भाई। पानी यार भैया, पानी भिजवा दो यार प्लीज, ऊपर गर्मी बहुत है। कुछ ठंडे पानी बोतल भाई, पानी भिजवा दो प्लीज ऊपर यार। भाई मैं कभी कुछ ऑर्गेनाइज करूँगा ना जिंदगी में, इतना अच्छा जुगाड़ रखते हैं। सामने चादर गीली हो रही है लग रही है, ऐसा लग रहा है थोड़ी थोड़ी गीली हो रही है, लेकिन वो लग रहा है वो छला हुआ नहीं। हाँ वो छला हुआ है, देखो नहीं है ये, देखो गीली थोड़ा है, इतनी गीली है नहीं, नहीं है गीली, ये हमें लग रही है देख रहे छला हुआ, क्योंकि हमें पानी चाहिए ना, तो हमें पानी पानी दिख रहा है भाई। इतना समय लगता है पानी लाने में, ये हम सीरियसली नहीं ले रहे भाई, दिक्कत नहीं है।
नहीं ले रहे हैं शुरू से भाई, पानी ही है। चलो अच्छी बात है, नुकसान भी है, हमसे ज़्यादा लग की तो चादर है भाई। मेरा मन करो फन फूड विलेज चला जाए, पहले चलना लेटे तो लगी मेरा मन। पहली गेंद यहाँ पे पांचवे ओवर की, बाय का इशारा अंपायर करते हुए। एक रन मिला इस पहली गेंद पे बाय के रूप में। गेंदबाजी करते हुए साहिल रॉय डाल रहे हैं तीसरा ओवर अपने स्पेल का। पारी का ये पांचवा ओवर शुरू हुआ है। स्ट्राइक पे मौजूद हैं नए बल्लेबाज गगन श्रीवास्तव। कलेक्ट कर पाया उस गेंद को विकेट कीपर, पीछे फील्डर मौजूद। एक रन लेकिन दौड़ के लेने का मौका मिला, बाय के रूप में मिला ये एक रन। फाइन लग की दिशा में निकली इस बार ये गेंद, एक रन फिर से बाय के रूप में मिलता हुआ यहाँ पे। इस बार लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा अंपायर देते हुए। एक रन मिलेगा, गेंद दोबारा डालनी होगी। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहरी है गेंद, वाइड का इशारा फिर से अंपायर करते हुए। दिशाहीन गेंदबाजी यहां पर होती हुई फिलहाल साहिल रॉय द्वारा। काफ़ी बेहतर गेंद, बीट किया बल्लेबाज को। एक रन फिर से बाय के रूप में मिलता हुआ। तो बल्ले से संपर्क अभी तक नहीं हुआ है इस ओवर में बल्लेबाज का गेंद के साथ। काफ़ी अच्छी गेंद, विकेट कीपर को थोड़ी सी गेंद को कैरी करने में प्रॉब्लम दिखी वहाँ पे।
डॉट बॉल रही है, आखिरी गेंद डाली जानी बाकी इस पांचवें ओवर की। सामना करेंगे गगन श्रीवास्तव साहिल का। और गेंद इस बार डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में निकल गई चार रनों के लिए। तो पहला अच्छा संपर्क यहाँ पे दिखा इस ओवर में गगन श्रीवास्तव का गेंद के साथ, और इस आखिरी गेंद पे पांच ओवर की आए चार रन। तो पांच ओवर के बाद दिल्ली जायंट्स की टीम का स्कोर है 44 रन पांच विकेट के नुकसान पे। और पीने का पानी अगर थोड़ा मिल जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट हम करते हैं कि थोड़ा सा पीने का पानी कृपया यहाँ पे भेजा जाए। छठे ओवर की है पहली गेंद, ऑन साइड पे खेला था इसको, लगभग मिड विकेट क्षेत्र पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिला। और गेंदबाजी कर रहे हैं सनोज, डाल रहे हैं अपने स्पेल का तीसरा ओवर, स्ट्राइक पे मौजूद हैं गौरव। एक और डॉट बॉल यहाँ पे ऐड होती हुई, काफ़ी अच्छी गेंद, विकेट कीपर फिर से कलेक्ट नहीं कर पाए उस गेंद को, और एक रन दौड़ के लेने का मौका मिला बल्लेबाजों को। बाय के रूप में आया ये एक रन, जुड़ेगा एक्स्ट्रास में। तीन गेंदें डाली जानी बाकी हैं इस ओवर में। कवर्स की दिशा में खेला, शानदार वहां पे रोका फील्डर ने डाइव लगा के, शॉट काफी अच्छा जरूर था यहाँ पे गगन श्रीवास्तव का, लेकिन फील्डिंग उससे भी बेहतरीन। गेंद गई है इस बार बैकवर्ड्स करले की दिशा में, एक रन लिया दौड़ के बल्लेबाजों ने।
बीट किया यहाँ पे बल्लेबाज को। तो डॉट बॉल के साथ यहाँ पे छठा ओवर भी पूरा होता है। दिल्ली जायंट्स की टीम का स्कोर 46 रन 5 विकेट के नुकसान पे। कहाँ रखोगे भाई ताकि ठंडी रहे, कुछ बैग वैग में डाल देना है ना, ताकि ज़्यादा देर तक ठंडी रहे। सारा फिर आधे घंटे में फिर पैसे लग जाएगी 15 रुपये। अरे भाई थैंक यू सो मच, मैं तो यहीं से बोल रहा था, मैंने कहा पानी आ गया। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, इसको ठंडा कर रख दो भाई, उसमें डाल दो, उसमें डाल दो, अंदर को डालो थोड़ा, आज हम बाहर उसमें। हाँ 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 थैंक यू भाई, थैंक यू यार, यही होता है भाई असली दिमाग लगाना। तो कुछ लोग होते हैं पर लाने तो ले आए ऊपर से, ये लो भाई, पियो पियो पियो। बड़ी हिट यहां पर लगा दी है डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, 4 रन यहां पर निकले बल्लेबाज के बल्ले से। सातवां ही ओवर शुरू हुआ है और गेंदबाजी कर रहे हैं गौतम कुमार। ये शानदार शॉट निकला था गगन श्रीवास्तव के बल्ले से। अच्छी गेंद डॉट बॉल रही। गौतम कुमार जो कि पहला ओवर डाल रहे हैं अपने स्पेल का, पारी का ये सातवां ओवर चल रहा है। 50 रन दिल्ली जायंट्स के बोर्ड पे लग चुके हैं, 5 विकेट डाउन है ये टीम। एक और अच्छी गेंद और निकल गई है थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन लेने का मिला मौका बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद बल्लेबाज ने खेलने की कोशिश जरूर करी लेकिन नहीं संपर्क बना पाए गेंद के साथ। एक और डॉट बॉल, बेहतर गेंद, इसको मारा था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद जरूर हैं, थोड़ी सी वहाँ पे मिसफील्ड देखने को मिली। 1 रन इसी के बीच तेजी के साथ दौड़ के चुराया वहाँ पे बल्लेबाजों ने। हवा में उठा मारा है, फील्डर नीचे मौजूद और एक आसान कैच उनके लिए। तो छठा विकेट भी यहाँ पे अब गवा दिया है दिल्ली जायंट्स ने और गौरव हरगुन यहाँ पर विकेट, माफ कीजिएगा गगन श्रीवास्तव यहाँ पर आउट होकर बढ़ते हुए पवेलियन की ओर। गगन जिन्होंने बनाए केवल 10 रन।
सात ओवर आठवें ओवर की यहां पे शुरुआत हुई है। दिल्ली जायंट्स की टीम ने गवा दिया है 6 विकेट केवल 52 रनों पे। वाइड का इशारा यहां पे अंपायर द्वारा, लेग स्टंप से बाहर रही वो गेंद और तेजी के साथ निकल गई है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। काफी तेज ये आउटफील्ड आज यहां पे दिखती हुई। अजय डैनियल फिलहाल गेंदबाजी करते हुए पहला ओवर डाल रहे हैं अपने स्पेल का, पारी का ये 8वां ओवर चलता हुआ। हितेश दत्ता फिलहाल स्ट्राइक पे मौजूद हैं। LBW की अपील यहां पे करते हुए लेकिन अंपायर ने नकारा उस अपील को। हितेश दत्ता जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है सामना कर रहे हैं अजय डैनियल का। और यहां पे एक और विकेट गवा दिया है दिल्ली जायंट्स ने, 7वां विकेट यहां पे गिरता हुआ। हितेश दत्ता पवेलियन की ओर बढ़ते हुए बिना खाता खोले। अजय डैनियल को मिला उनका पहला विकेट उनके पहले ही ओवर में और दिल्ली जायंट्स ने यहां पर गवा दिया है देखते ही देखते 7 विकेट। केवल 8वां ही ओवर ही चल रहा है यहां पर। वापसी का कोई भी मौका अभी तक नहीं दिया है जेके टाइगर्स की टीम ने दिल्ली जायंट्स को। कोई साझेदारी यहां पर बनती हुई नहीं दिखी है। लगातार विकेट्स गिरे हैं और 7 विकेट अप डाउन है दिल्ली जायंट्स। अरे भाई छाया तो उधर चली गई, कहाँ कहाँ चली गई, इसकी छाया किधर है, है? इसकी छाया कहाँ है? पिच से आगे छाया पीछे हो रही है, तो पेड़ आ गई छाया। अच्छी गेंद रही है डॉट बॉल। मिहिर आया नए बल्लेबाज राइट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक पे मौजूद हैं, सामना कर रहे हैं अजय डैनियल का। आखिरी गेंद या 8वें ओवर की रही डॉट बॉल, अच्छी गेंद और डिफेंस किया वहां पे बल्लेबाज मिहिर ने। तो 8 ओवर के बाद दिल्ली जायंट्स की टीम का स्कोर 57 रन 7 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में आए केवल 5 रन और 1 विकेट। पेड़ ही तो ऑक्सीजन देते हैं और क्या उनको सारे देते हैं। पकड़े इसको बांधूंगा, बांध लो भाई, बांध ऐसे एक पकड़ी है इसको उड़ा देगा आगे से पैर, इसको पैर रख इसको टेबल पैर रख लेना। करो भाई तो
परमानेंट जुगाड़ करो, ऐसे कब तक खड़े रहोगे तुम पकड़े? मतलब तुम तो खड़े रहोगे बट पकड़े कब तक रहोगे? सीधा मार दिया इस बार उठाकर, और गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, चार रनों के लिए सीमा रेखा पार। नौवे ओवर की शुरुआत यहाँ पे चौके के साथ हुई है, गौतम कुमार डाल रहे हैं ये नौवा ओवर उनके स्पेल का, ये दूसरा ओवर, एक विकेट ज़रूर ले चुके हैं गौतम, चाहेंगे विकेट्स के सिलसिले को जारी रखना। अच्छी गेंद, बल्लेबाज ने मन जरूर बनाया था वहाँ पे शॉट लगाने का, लेकिन नहीं बना सके कोई कनेक्शन गेंद के साथ। गौरव हरगुल जो कि फिलहाल खेल रहे हैं 16 रनों के निजी स्कोर पे, 20 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं, इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा समय बिताया है दिल्ली जायंट्स की तरफ से। गेंद निकल गई इस बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, कैप में चार रनों के लिए गौरव हरगुन के बल्ले से निकले ये चार रन, और उम्मीद करेगी उनकी टीम दिल्ली जायंट्स कि गौरव जितना लंबा हो सके खेलें, जितना ज़्यादा समय तक पिच पे रह सकें वो रहें। रन रेट कोई खास इशू नहीं है, लेकिन विकेट्स काफ़ी ज़्यादा गवा दिए हैं दिल्ली जायंट्स ने। ओ थोड़ा सा यहाँ पे टाइमिंग ख़राब, हवा में कुछ देर रही थी गेंद, सीधा खेलने की कोशिश की थी, भाग्यशाली रहे वहाँ पे गेंदबाज काफ़ी दूर उस गेंद से। एक रन यहाँ पर लेने का मिला मौका, और स्ट्राइक पे अब वापस आ गए हैं मिहिर। काफ़ी ज़्यादा बाहर ऑप्शन से गेंद, वाइड का इशारा अंपायर करते हुए, दोबारा डालनी होगी ये गेंद गौतम कुमार को, मिहिर अभी तक ऑफ द मार्क नहीं हो पाए हैं। सात विकेट डाउन है दिल्ली जायंट्स, क्या यहाँ पर कोई उम्मीद दिखती हुई कि कोई सम्मानजनक टोटल वो खड़ा कर सकें? बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे कवर्स की दिशा में लगा दिया है बल्लेबाज मीर ने, और स्टाइल में ऑफ द मार्क हुए हैं, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन टाइमिंग वहाँ पर मीर का। मैं भाई फेंक दूंगा ये सब कुछ,
बार खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और दूसरा रन भी अभी तेजी के साथ दौड़ के पूरे करने की कोशिश, और सफल रहे इस दूसरे रन को पूरा करने में। जैसे देखा कि फील्डर थोड़ा सा सुस्त है गेंद के ऊपर, फटाफट से दूसरा रन लेने का मन बनाया और ले डाला वो दूसरा रन। ऐसा लग रहा है थोड़ा जो मामूली सा नारियल का पानी मिला दिया, लेकिन ठीक है नारियल पानी बनती है तो अच्छी है, ऐसा लग रहा है लेकिन कोई मिलाया नहीं। टेस्ट सही है, मतलब कुल मिला दिया टाइम पे गला गिला कर रहा है, बस वही ज़रूरी है यार। यार स्कोर अपडेट होता क्यों नहीं है, वो करता नहीं है या इनकी तरफ से क्रिकेटर्स की तरफ से कोई इशू है? देख के मंगा तो लेंगे फिर, मतलब फिर भी बल बोल बल भी है बोल हमें कह रहा हूँ। अच्छी गेंद यहाँ पर अजय डैनियल की, 10वां ओवर यहाँ पर शुरू हुआ है इस पारी का। एक और अच्छी गेंद बीट किया यहाँ पे बल्लेबाज को। भाई तुम करना अपने यार कनेक्ट, मेरा लगता है फोन की बैटरी खत्म हो गई। काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अजय डैनियल, बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। इस बार पॉइंट कवर की दिशा में खेला है, डीप में फील्डर मौजूद, एक रन लेने का मिला मौका। डॉट गेंदे डालने में माहिर अजय डैनियल। भैया 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 चलो मत चलो मत, इसे कवर्स की दिशा में खेलने कोशिश, फील्डर का ढूंढ लिया गेंद ने, कोई मौका नहीं वहां पर लेने का। डॉट बॉल के साथ यहां पे ये ओवर भी समाप्त होता है। इस ओवर में आया केवल एक रन, 10 ओवर के बाद दिल्ली जायंट्स की टीम का स्कोर है 74 रन 7 विकेट के नुकसान पे। उम्मीद नहीं है मुझे, कुछ नहीं थोड़ी देर खड़ा होकर करता हूँ। 11 ओवर की शुरुआत वाइड के साथ यहाँ पे हुई है। ऑन साइड पे
इस बार बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में दे मारा है। दूसरा रन लेने का मन जरूर बनाया था वहाँ पे नॉन सेकंड पे मौजूद बल्लेबाज ने, लेकिन मना किया फिलहाल। मिहिर आया स्ट्राइक पे, सामना करेंगे अभिजीत, अभिजीत का पॉइंट की दिशा में दे मारा है, केवल एक रन मिलेगा। वाइड लॉन्ग ऑफ पे मौजूद फील्डर के पास खेला उस गेंद को, इस बार एक्स्ट्रम से बाहर ये गेंद, एक और वाइड। काफी अच्छा शॉट यहाँ पे डीप बैकेट स्क्वायर लेग की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं था। गेंद सीमा रेखा पार, चार रनों के लिए निकली यहां पर मिहिर के बल्ले से। रन रेट की अगर बात की जाए तो 7.78 का ये करंट रन रेट दिल्ली जायंट्स की टीम का, जो कि कोई परेशानी का विषय नहीं फिलहाल। परेशानी का विषय विकेट्स हैं फिलहाल दिल्ली जायंट्स की टीम के लिए, क्योंकि 7 विकेट ऑलरेडी गंवा चुकी है दिल्ली जायंट्स। अच्छी गेंद, और उठा के दे मारा है यहां पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। 6 रन यहां पर निकले मिहिर के बल्ले से, स्टाइल में इस ओवर को समाप्त किया है। इस ओवर में आए कुल 15 रन, तो 11 ओवर के बाद दिल्ली जायंट्स की टीम का स्कोर 89 रन 7 विकेट के नुकसान पे। चुभने लग गया भाई कुर्सी, या तो वैसी होती है ना प्लास्टिक की भाई, तुम कहीं तो चाहते हो ना, उनसे पूछ लिया करो भाई कहाँ जुगाड़ है बैठने का देखने का, क्यों क्यों नहीं मिलेगा पूछते हो तुम, मैं बताऊँ तुम्हें क्यों नहीं मिलता होगा, क्योंकि तुम भाई ये सोचते हो कि भाई काम मिल जाए कोई बात नहीं देख लेंगे, जब तक ये सोचते हो भाई ऐसे मत सोचो, बेचारा मन मत दिखा, तुम ये दिखाओ कि मैं जो करने आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं उस चीज़ में बैठ कर कम से कम दिखा तो सकते हो, अंदर से फील कर लो दिखाओ तो सही, लेकिन कि भाई मैं हरा कह रहा मैं तू कह रहा हूँ, क्योंकि तुम जैसे अपने आपको दिखाओगे दुनिया वैसे समझ रही है। काफ़ी अच्छा शॉट यहाँ पे लॉन्ग ऑन की दिशा में इस बार लगाया है। 4 रन यहाँ पर मिलेंगे दिल्ली जायंट्स को और बल्लेबाज को। 12वें ओवर की यहाँ पे शुरुआत हुई है, गेंदबाजी कर रहे हैं अजय डैनियल। हल्के हाथों से कलाइयों के सारे धकेला है गेंद को ऑन साइड पे। एक रन केवल मिलेगा।
ड्राइव कर दिया है कवर्स की दिशा में। एक और रन जुड़ता हुआ यहाँ पे टीम के खाते में। और इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला था, कोशिश करी थी बड़ा शॉट लगाने की, हवा में थी गेंद, फील्डर मौजूद थे। इस बार लॉन्ग ऑन पे कोई गलती नहीं करी इस बार, और एक आसान सा कैच वहां पर लपक लिया फील्डर ने, तो आठवां विकेट अब गवा दिया दिल्ली जायंट्स की टीम ने। तो आठवां विकेट ये जो गिरा था ये था गौरव हरगुन का, और ये कैच पकड़ा था केयूर बारिया ने। गौरव आउट हुए 29 रन बनाकर, एक उम्मीद की तरह वो बने हुए थे अपनी टीम दिल्ली जायंट्स के लिए। एक तरफ से विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन आखिरकार यहाँ पे गौरव हरगुन भी विकेट गवाकर अब पवेलियन की ओर जा चुके हैं। 8 विकेट अब डाउन है दिल्ली जायंट्स, 95 रन केवल फिलहाल बोर्ड पे लगे हुए हैं 12वां ओवर चलता हुआ। और इस बार कवर्स की दिशा में खेला है, एक रन मिलेगा लेकिन रन तो बनाई गई है, उनका रन रेट डाउन हुआ, विकेट गिरी लेकिन रन रेट इनका डाउन हुआ 8 से ऊपर रन रेट क्या हुआ जल्दी करो तेज मारेंगे क्या आउट है। अच्छी गेंद कट करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं बना पाए कोई संपर्क, कलेक्ट किया उसे विकेट कीपर ने डॉट बॉल के साथ। ख़त्म होता है ये 12वां ओवर, 7 रन आए इस ओवर में और एक विकेट भी। तो 12 ओवर के बाद दिल्ली जायंट्स की टीम का स्कोर 96 रन 8 विकेट के नुकसान पे। क्या सेटअप है ताकि मैं देखूं कि मेरे को कहां का मैं कैसे कर पाऊंगा तभी मैं अच्छी सर्विस दे पाऊंगा। वैसे तो सामने वाला पूछेगा नहीं, वो वैसे ही बता देगा भाई ये जुगाड़ है, देखो आप कहां पे आपको अच्छा रहेगा, कहां से आप कर पाओगे। वरना तो भाई यही होता है, फिर हमें ये पकड़ना पड़ रहा है और छाया के लिए वो लगाना या ये लगाना, समझ रहे हो। तुम वो आउटपुट दो कि भाई इनको ना मिले ना इस रेंज में कोई बंदा ऐसी क्वालिटी देने वाला, क्योंकि पता है जिन्होंने तुम्हें बुलाया है ना इनका भी माइंड बदलता है इन प्लेयर्स की वजह से। क्योंकि प्लेयर भी जब तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे ना यार बहुत बढ़िया है जी या घटिया जो भी है, क्योंकि इनकी भी बात तो पहुँचती है यहाँ तक, जिसके चलते उनका डिसीजन बदलता है। कवर की दिशा में खेला गया, आप वहाँ पे मौजूद है फील्डर, हालांकि तेजी के साथ आते हुए इनके ऊपर 2 रन लेने का मौका मिला बल्लेबाजों को, अच्छे रन बिटवीन द विकेट्स।
और तगड़ा हिट यहाँ पे लगाया फिलहाल लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद है वहां पे तो एक ही रन मिलेगा। और इस एक रन के साथ 100 रन भी पूरे होते हैं अब दिल्ली जायंट्स के इस 13वें ओवर में। अच्छी गेंद और सम्मान दिया वहां पे बल्लेबाज ने उस गेंद को, मिहिर जो कि स्ट्राइक पे मौजूद है सामना कर रहे हैं नागेंद्र का। इस बार खेल दिया इस गेंद को कहां कोने की दिशा में, थोड़ी सी वहां मिसफील्ड होती हुई दिखी और जिसके चलते दूसरा रन लेने का भी मौका मिला वहां पे बल्लेबाजों को। इस बार स्टेप आउट करके कवर्स की दिशा में खेला है, डीप में फील्डर मौजूद हैं, एक रन मिलेगा। एक बात इंटेलिजेंट्स की टीम की अच्छी रही है कि विकेट ज़रूर उन्होंने बेशक गंवाए हों लेकिन रन रेट को उन्होंने नीचे नहीं आने दिया, रन रेट उनका अभी भी अच्छा मेंटेन्ड है लेकिन विकेट्स उनके पास नहीं है क्योंकि 8 विकेट वो डाउन है, केवल 2 विकेट बचे हुए हैं। रन रेट अच्छा रहने की वजह से ये अच्छा हुआ कि 100 रन उनके जल्दी पूरे हुए। फिलहाल 13 ओवर यहाँ पे समाप्त हुए हैं, इस ओवर में आए कुल 7 रन। 13 ओवर के बाद दिल्ली जायंट्स की टीम का स्कोर 103 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अगर करंट रन रेट की हम बात करें तो 7.92 का दिखता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ से 158 का। अगर यहाँ पे 20 ओवर पूरे खेलने में कामयाब रहती है दिल्ली जायंट्स तो निश्चित रूप से कम 158 रन या उससे ज़्यादा तो बना ही लेंगे क्योंकि रन रेट उनके लिए कोई ज़्यादा परेशानी का विषय नहीं रहा अभी तक, जबकि उन्होंने विकेट काफ़ी तेज़ी के साथ गंवाए हैं शुरुआती ओवर्स में, तब भी रन रेट उनका लगातार अच्छा ही रहा है। अच्छी गेंद, उसको कवर्स की दिशा में धकेला, हल्के हाथों से खेला था वो शॉट, फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। गेंदबाजी की कमान यहाँ पे संभालने आया सनोज जो कि आखिरी ओवर डाल रहे हैं अपने स्पेल का। 4 विकेट उन्होंने ऑलरेडी ले लिए हैं और कमर तोड़ दी थी उन्होंने दिल्ली जायंट्स की अकेले दम पे। अच्छी गेंद, इस बार थोड़े से गैप में गई, डीप में फील्डर मौजूद है, दूसरा लेने की कोशिश वहां पे दिख रही थी बल्लेबाज नितिन चिकारा की लेकिन मना किया वहां पे स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज ने। थोड़ा रिस्की हो सकता था वो दूसरा रन। सनोज ने आज अच्छी गेंदबाजी करी है, प्रभावित किया है उन्होंने। और काफ़ी बेहतरीन गेंद, ऑफ स्टंप के काफ़ी पास से निकली, बीट किया बल्लेबाज को भी, थोड़ी अंदर अगर और होती तो शायद हमें एक और विकेट देखने को मिलता जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं होता दिल्ली जायंट्स को क्योंकि ऑलरेडी 8 विकेट अब डाउन हो, 14वां ये ओवर चल रहा है अभी भी, इस ओवर के बाद 6 ओवर का खेल बचा हुआ है। कवर ड्राइव लगाई है यहाँ पे नितिन चिकारा ने, एक रन मिलेगा। स्ट्राइक पे वापस आया मिहिर जो कि खेल रहे हैं 24 रनों के निजी स्कोर पे, 18 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 2 चौके और 1 छक्का
मिहिर लगा चुके हैं अभी तक अपनी पारी में, और कोशिश करेंगे कि नितिन के साथ इस साझेदारी को लंबा लेकर जाएं, अंत तक खेलें। 20 ओवर पूरा खेलने की कोशिश में रहेगी दिल्ली जायंट्स। लेकिन अगर हम बात करें जेके टाइगर्स की, तो उनको बिल्कुल भी ये गवारा नहीं होगा कि दिल्ली जायंट्स पूरे 20 ओवर तक खेले, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर 20 ओवर तक पूरे खेल गई दिल्ली जायंट्स तो यहाँ पर कम से कम भी 150 से ऊपर का जो टोटल है वो खड़ा कर देगी दिल्ली जायंट्स। और T20 में 150 यानी कि 150 रनों का जो टोटल होता है वो बड़ा तो हम नहीं कह सकते काफ़ी, लेकिन चैलेंजिंग ज़रूर होता है। और उतने रन बनाने के लिए भी आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी होती है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चलना होता है। दिल्ली जायंट्स काफ़ी खुश होगी कुछ भी अगर वो 140 से ऊपर बना पाते हैं, आज 140 या 150 अगर वो आज टच कर पाते हैं इस सिचुएशन से निकल कर, तो काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे वो अपने प्रदर्शन से। फिर देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी वहाँ पे जेके टाइगर्स की टीम के द्वारा हमें देखने को मिलेगी दूसरी पारी में। दिल्ली दिल्ली बड़े बड़े में इसमें लिखा हुआ देख इसमें इसमें ना ठीक है टोस्ट वाला जी आई हां हां वो गलती से हो गया दिल्ली जायंट्स देखो आगे लिखते हो ऑफ टू बैट और भी है नीचे का नहीं ऑफ उसमें लिखना है भाई इसमें हां ऑफ टू बैट ऑफ टू बैट ये ना लिखूं वन द टॉस एंड ये सर कैपिटल में लिखूं छोटे छोटे लिख है ना भाई पानी वाला जगह ठीक रहेगा ना won the toss and elected to bat ek number ka hai ha kitna samay lega bhai sahi to hai yaar team ka naam bada ho gaya baaki cheeze padhne layak theek hai na mera hai na abhi match karo ek number hai main hu to bhai likhne padhne ka kaam tum thoda bahut kar rahe ho अरे ये तो शानदार है, ये तुमने बनाया है फोटोशॉप में है भाई एक नंबर कति प्रोफेशनल कति जानदार भाई यूजर इंटरफेस भी एक नंबर बनाया है सिंपल बट इफेक्टिव सिंपल येट इफेक्टिव हाई लाइट छाने वालों भाई तुम मेरे को बंद कर देना भाई ओ भाई वो जुदा दे दो चुभने लग गई यार बैठने की तो खूब आता था लेकिन ये ना कत लकड़ा चुभ रहा है क्या क्या इसको नीचे कर ले तो दिख भी जाएगा बैठ रहे यार कोई वीडियो एडिटर है मेरा
शानदार चौका, कोई वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा बल्लेबाज ने, जैसे ही देखा ऑन साइड पे वो गेंद आ रही है, लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर, बल्ले को बस थोड़ा सा छुआया, एक टच कराया और बाकी काम गेंद की रफ्तार ने खुद पे खुद कर दिया, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए जाके। आखिरी गेंद यहाँ पे डालेंगे इस ओवर की और अपने स्पेल की सनोज। अपील यहाँ पे करी है और आउट दे दिया अंपायर ने, तो 5 विकेट यहां पर पूरी करी है बिल्कुल अपने स्पेल के आखिरी गेंद पे सनोज ने, 5 विकेट हॉल यहां पर सनोज पूरा करते हुए। बहुत ही बेहतरीन आज गेंदबाजी करी है सनोज ने और सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को यहां पर फ्रंट फुट पे लाए हैं और बैक फुट पे धकेल दिया है दिल्ली जायंट्स की टीम को। 9 विकेट इसी के साथ अब गिरे हैं दिल्ली जायंट्स के, केवल 1 विकेट बचा हुआ है अब उनके पास, 109 रन 9 विकेट के नुकसान पे 14 ओवर के बाद है दिल्ली जायंट्स। और अहम विकेट यहाँ पर जो कि था मिहिर का, मिहिर जो कि एक एंड से लगे हुए थे, 28 रन मिहिर ने बनाए 20 गेंदों में, 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। चाह रहे थे कि अंत तक खेलें, 20 ओवर पूरे खेल पाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और फाइनली यहाँ पर आउट होकर पवेलियन की ओर जा चुके हैं मिहिर। नए बल्लेबाज लोकेश यहाँ पर, लवकेश माफ कीजिएगा, लवकेश नए बल्लेबाज अब मैदान पर आते हुए, जो कि अभी आएंगे। बढ़िया भाई, पंद्रहवें ओवर की यहाँ पे शुरुआत हुई है और अजय डैनियल्स यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। उठा के मारा है सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर ने ड्रॉप कर दिया उस कैच को, कोई मुश्किल कैच नहीं था ये, आसान सा कैच वहाँ पे ड्रॉप किया नितिन चिकारा का। अजय डैनियल डाल रहे हैं आखिरी ओवर अपने स्पेल का, 2 विकेट अजय डैनियल ने लिए, केवल 13 रन दिए हैं, तो काफ़ी सफल स्पेल उनका जाता हुआ। इस बार लेग स्टंप पे डाली है गेंद और कलाइयों के सहारे वहाँ पे ऑन साइड पे खेल दिया है बल्लेबाज ने और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लगी दिशा में गेंद सीमा रेखा पार निकल गई 4 रनों के लिए। क्या नितिन चिकारा यहाँ पर अपनी टीम को पूरे 20 ओवर तक बना के रख पाएंगे। और अच्छी समझदारी भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं नितिन,
गेंद को अच्छे से रीड किया और फिर हल्के आता था वहाँ पे, पॉइंट कवर की दिशा में धकेला एक रन के लिए। अब लवकेश जो कि नए बल्लेबाज आए थे, नौवा विकेट गिरने के बाद स्ट्राइक संभालेंगे, सामना करेंगे अपनी पहली गेंद का और अजय डैनियल का। अच्छी गेंद अजय डैनियल की, नहीं रीड कर पाए उस गेंद को लवकेश और नितिन चिकारा वहाँ पर कुछ डिस्कस करते हुए लवकेश के साथ। और ऑन साइड पर धकेल लिया इसको मिड विकेट क्षेत्र में, एक रन लेने का मन ज़रूर बनाया था वहाँ पे नितिन ने, लेकिन लवकेश ने मना किया, वो चाहते हैं कि नितिन ही स्ट्राइक संभाले अगले ओवर में, क्योंकि नितिन थोड़े यहाँ पे बेहतर बल्लेबाज दिखते हुए, और शायद ये बात लवकेश भी जानते हैं कि नितिन ज़्यादा से ज़्यादा गेंदे खेलें ताकि विकेट बचे रहने की संभावना और साथ ही साथ कुछ रन बनने की संभावना भी यहाँ पर बनी रहे उनकी टीम दिल्ली जायंट्स के लिए। तो 15 ओवर के बाद फिलहाल दिल्ली जायंट्स की टीम का स्कोर है 114 रन 9 विकेट के नुकसान पे। सफल स्पेल समाप्त कराया जो डैनियल ने, 4 ओवर में दिए केवल 18 रन और 2 विकेट उन्होंने लिए हैं। 16वां ओवर अब फिलहाल यहाँ पे शुरू होने जा रहा है, देखना होगा कौन है वो गेंदबाज जो डालता है ये 16वां ओवर। स्ट्राइक पे फिलहाल मौजूद हैं नितिन चिकारा। शॉर्ट ऑफ लेंथ ये गेंद और इसको भेज दिया है सीमा रेखा पार डी बैकर्स करने की दिशा में नितिन ने। जैसी देखा शॉर्ट ऑफ लेंथ वो गेंद, जल्दी गेंद की लाइन और लेंथ को वहां पर पिक कर लिया था नितिन ने। थोड़ा सा अजीबोगरीब वो शॉट जरूर था, लेकिन देखिए रन आने चाहिए, T20 फॉर्मेट है इस मुकाबले का और रनों की भी ज़रूरत है दिल्ली जायंट्स को। तो थोड़े आड़े तिरछे शॉट्स लग के बेशक रन आए, लेकिन रन आने चाहिए, आपको रनों की ज़रूरत है। और कुछ शायद वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी में दिखते हुए नितिन, शायद वो शॉट खेलते टाइम शायद उनको थोड़ी सी परेशानी हुई, शायद कोई क्रैम्प उनको आया है उनके हैमस्ट्रिंग मसल में शायद। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर है गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर देते हुए। अक्षय वर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं, पहला ओवर वो डाल रहे हैं अपने स्पेल का, पारी का ये 16वां ओवर।
और क्या स्टाइल में रोका है वहाँ पे मिड ऑफ में मौजूद फील्डर ने पैरों से। देखिए रन रुकने चाहिए कैसे भी रुके। अनदर ब्यूटीफुल बॉल ही पंच्ड इट टुवर्ड्स द फील्डर हु इज स्टैंडिंग ऑन मिड ऑफ एंड द फील्डर स्टैंडिंग ऑन मिड ऑफ स्टॉप दिस बॉल एंड नेक्स्ट बॉल इट वॉज अ बिट शॉर्ट बॉल एंड इट वॉज द बॉल वॉज इन द एयर फील्डर कुड नॉट रीच अप टू द बॉल एंड इन द मीन वाइल बैट्समैन टुक वन रन। Another good ball this time. The batsman played it towards the mid-wicket area and took one run. Delhi Giants is 120 for 9 out of 15.4 overs. Two more balls to go. It's a beautiful delivery. I'm sorry, only one ball was remaining. So with this dot ball, 16 overs are now complete and Delhi Giants is 121 for the loss of 9 wickets. Nitin Chikara is on 14 runs. He has faced 14 deliveries. And Lovekesh is on 1 run. He has faced 3 balls. If we talk about the current run rate, it is 7.56. The projected score is 151. One good thing about Delhi Giants has been that their run rate has been maintained up to the T20 standards, which is a very good thing. Although they have lost very fast wickets, in a very small amount of time. Oh, beautiful ball. Prashant is the new bowler. Right arm off break. It's a beautiful ball. There is an appeal by the fielding side, but umpire is not interested in that appeal and umpire has given not out. Although the ball was really good. And okay, if you talk about the bowling and the bowler, Prashant is the bowler who has just started his spell. It is the very first over of Prashant. 17th over is going on. Lovekesh is on strike. The ball is pretty much outside of the off stump. It's a wide ball. There is an appeal and umpire took no time to give out and that was the last wicket that Delhi Giants have lost and now they have lost all their wickets on 122. So it means that there is the target of 123 has been given to JK Tigers, which might not be a difficult target because 123, if we talk about the T20 standard, it's not a difficult target to achieve. So let's see how JK Tigers team turn up for this total for the target of 123. It will be really interesting, really entertaining to watch JK Tigers to chase 123. So now we will go on an inning break and let's see all of you in the second inning. Thank you so much and stay connected.
चार्जर कहाँ? सी टाइप है। ये कौन सा टाइप है भाई? मैं स्कोर किसमें देखूँ, स्कोर किसमें देखूँ, ये जेब में रख लेता हूँ। अरे चोरी चारी की बात नहीं है यार, जब रख सकते हैं तो भाई, जब पानी है पीने को जहर क्यों पिए? किसी का नाम लेके पानी मैंने दे रहा भाई, वो नाम किसका लेना बता देना, और मेरे को स्कोर का कुछ कर दो यार। दूसरी पारी की यहाँ पे शुरुआत हुई है। जेके टाइगर सब आए हैं बल्लेबाजी करने और लक्ष्य उनको मिला है 123 रनों का। पहली गेंद पे आया एक रन, अगली गेंद का यहाँ पे अब सामना करेंगे महेंद्र सिंह। अच्छी गेंद, लेकिन और भी अच्छे तरीके से उसको खेला पॉइंट कवर की दिशा में और तेज़ी के साथ दौड़ के पूरा किया एक रन महेंद्र सिंह ने। महेंद्र सिंह धोनी मत ऐड कीजिएगा, ये सिर्फ महेंद्र सिंह है। और इनका साथ निभा रहे हैं अभिजीत, और अभिजीत फिलहाल अब आए हैं स्ट्राइक पे, सामना करेंगे सागर का। सागर जो कि पहला ओवर डाल रहे हैं इस पारी का। और काफी अच्छी यहाँ पे ऑन साइड पे लगाई है, और यहाँ पर मिड विकेट के फील्डर को बीट करते हुए गेंद निकल गई है सीमा रेखा पार चार रनों के लिए। अच्छा शॉट वहां पे देखने को मिला अभिजीत के बल्ले से। इस मैच की अगर बात करें, एक ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं, अगर आप इस मैच के साथ अभी नए नए जुड़ रहे हैं, कि दिल्ली जायंट्स वर्सेस जेके टाइगर्स के बीच में चल रहा है मुकाबला। आज दिल्ली जायंट्स की टीम ने टॉस जीत के फैसला किया था पहले बल्ले पास ही करने का। हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में धकेला, फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो मैच की बात कर रहे थे, दिल्ली जायंट्स ने पहली इनिंग में बल्लेबाजी करी है टॉस जीत के। शुरुआती विकेट्स उनके बहुत रफ्तार के साथ गिरे थे, लेकिन फिर भी रन रेट उन्होंने डाउन नहीं होने दिया, और जैसे तैसे करके उन्होंने 122 रन बोर्ड पे लगाए और लक्ष्य दिया 123 रनों का। अच्छी गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, यहाँ पे फील्डर को बीट करते हुए गैप में निकल गई है गेंद, और तेजी के साथ बढ़ती हुई सीमा रेखा की तरफ। और जी हाँ, चार रन, तीन फील्डर वहां पे भागे थे उस गेंद के पीछे, लेकिन गेंद तीनों फील्डरों से तेज निकल गई सीमा रेखा पार। तो शानदार शॉट यहां पे लगाया गैप में अभिजीत ने। 10 रन ऑलरेडी इस ओवर में आ चुके हैं, एक गेंद अभी भी डाली जानी बाकी इस पहले ओवर की। यहां पर सिर्फ एक कोशिश दिल्ली जायंट्स की टीम की विकेट्स। वो विकेट लेना चाहेंगे, और देखिए क्या सीधा खेला है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गैप में जड़ दिया एक और चौका यहां पर अभिजीत ने, शानदार चौका। इस चौके के साथ पूरा होता है ये पहला ओवर, और इस पहले ओवर में आए पूरे 14 रन, महंगा रहा ये पहला ओवर ही सागर का। और चाहेगी यहाँ पे मेरे ख्याल से जेके टाइगर्स की टीम, जिस तरीके से फिलहाल इस पहले ओवर में बल्लेबाजी हो, कहीं ना कहीं इरादे उनके दिख रहे हैं कि जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं इस मुकाबले को, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते, जानते हैं 123 रनों का ये लक्ष्य है, ज़्यादा कोई मुश्किल, ज़्यादा कोई चैलेंजिंग ये लक्ष्य नहीं है, और इसको ख़त्म करना चाहेंगे जल्दी। अच्छी बल्लेबाजी हुई इस पहले ओवर में, एक ओवर के बाद 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर जेके टाइगर्स। दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, और कुछ चीफ गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे इस मुकाबले की शोभा बढ़ाने के लिए।
इस इवेंट की शोभा को बढ़ाने के लिए शिव सूरी जी, नीलेश सूरी जी, अवधेश यादव जी, आचार्य दिनेश नौटियाल जी और चिंकू जी, इन सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हार्दिक स्वागत है आप सभी का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुकाबले में आने के लिए और इस मुकाबले की शोभा बढ़ाने के लिए आप बने रहे हमारे साथ इस मुकाबले में। अच्छी गेंद, बैक फुट पे आके वहाँ पे डिफेंस किया, गेंद निकली थी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, फील्डर वहाँ पे मौजूद, कोई रन नहीं। इसको पता क्या बोलते हैं खिलाफ, किसको, जो जिसको मैं बैकवर्ड पॉइंट बोल रहा हूँ, वो बेसिकली फ्लाई स्लिप है, उसको बोलते हैं फ्लाई स्लिप, जो जो कुछ लोग फ्लाई स्लिप भी बोलते हैं। पॉइंट कवर की दिशा में खेला है, थोड़ी सी मिसफील्ड वहाँ पे देखने को मिली, एक रन दौड़ के लेने का मिला मौका। थर्ड मैन होता है क्योंकि बॉलर फर्स्ट मैन, सेकंड मैन विकेट कीपर, और फिर उसके बाद उसी लाइन में थोड़ा सा पीछे थर्ड मैन, वो फील्डिंग टीम के हिसाब से देखा जाता है, फर्स्ट मैन बॉलर बनाए कैसे होगा, उन्होंने अभी पीछे ये फील्डिंग वाले इस पोजीशन में पता नहीं यार, कवर हां पता, पुल कर दिया इस गेंद को, और देखिए अच्छी फील्डिंग वहाँ पे, डाइव लगा के रोका, अगर वहाँ पे गेंद निकलती तो निश्चित रूप से चार रन हमें देखने को मिलते, शॉट काफ़ी अच्छा था, पुल किया था, लेकिन फील्डर तेज़ी के साथ आए उस गेंद के ऊपर और नहीं दिया मौका कोई भी रन बनाने का वहाँ पे अभिजीत को। और आउट दे दिया यहाँ पे, LBW की अपील करते ही कोई संकोच नहीं वहाँ पे अंपायर को, और पहला विकेट यहां पर गवा दिया जेके टाइगर्स की टीम ने, अभिजीत आउट होकर यहां पे पवेलियन की ओर बढ़ते हुए उन्होंने बनाए 13 रन 7 गेंदों में, तीन शानदार चौके जरूर उन्होंने लगाए थे लेकिन पारी उनकी अब यहां पे समाप्त हो गई है। ये विकेट मिला है हिमांशु को उनके स्पेल के पहले ही ओवर में, पारी का ये दूसरा ओवर, एक गेंद अभी भी डाली जानी बाकी है दूसरे ओवर में। अच्छी गेंद, पॉइंट की दिशा में खेला था, कोई रन नहीं मिलेगा, फील्डर वहाँ मौजूद, डॉट बॉल के साथ ओवर ये समाप्त होता है। दो ओवर के बाद जेके टाइगर्स की टीम 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर थोड़ा महंगा जरूर गया था लेकिन ये दूसरा ओवर काफी अच्छा रहा दिल्ली जायंट्स की टीम के लिए। इस ओवर में केवल एक ही रन आया है और एक विकेट भी देखने को मिला यहाँ पर इस ओवर में, पहली सफलता मिली है दिल्ली जायंट्स को। जानते हैं ज़्यादा बड़ा टोटल आज उन्होंने नहीं खड़ा किया है तो विकेट्स लेकर ही वो इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं, इस मुकाबले को जीत सकते हैं। तो
तेज गया है, कौन रिकॉर्ड हुआ है? तीसरे ओवर की शुरुआत यहां पे हुई है। फाइनल की दिशा में खेलने की कोशिश, फील्डर मौजूद, तेजी के साथ गेंद के ऊपर, नहीं मिला कोई मौका रन लेने का। अच्छी गेंद और अच्छे तरीके से खेला, फ्रंट फुट पे आ गया वहाँ पे डिफेंस किया बल्लेबाज ने। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट गेंद यहाँ पे जुड़ती हुई, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। पॉइंट की दिशा में खेला है, मिसफील्ड कर दी यहाँ पे और गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। हालांकि थोड़ी स्लो जरूर हुई गेंद और जी नहीं रोक पाए वहाँ पे फील्डर। चार रन मिले, खराब फील्डिंग वहाँ पे देखने को मिली। हरजाना भुगता चार रनों के रूप में, जहाँ एक बार को लग रहा था एक भी रन नहीं होगा अगर वहाँ पे फील्डर लपकते उस गेंद को, लेकिन मिसफील्ड, तो पनिशमेंट भी मिलती है ऐसे क्रिकेट में। इस बार आपको मिली है चार रनों के रूप में। बेहतर गेंद, एक और डॉट बॉल, तो एक और ये डॉट बॉल और इसी डॉट बॉल के साथ यहाँ पे समाप्त होता है ये ओवर। तीन ओवर पूरे होते हैं, जेके टाइगर्स की टीम का स्कोर 19 रन एक विकेट के नुकसान पे। अपील यहाँ पे करी है, काफी कन्विंसिंग अपील, लेकिन अंपायर नहीं इंटरेस्टेड उस अपील में और गेंद निकल गई है वहाँ पे फाइनल की दिशा में। हमारे कपार चार रनों के लिए। सीमा रेखा पार चार रनों के लिए। इस बार वाइड का इशारा दिया अंपायर ने, कलेक्ट नहीं कर पाए वहां पे विकेट कीपर, तो पांच रन आए इस गेंद पे और गेंद भी काउंट नहीं होगी, दोबारा डालनी होगी ये गेंद गेंदबाज को।
हल्के हाथों से वहाँ पे ऑन साइड पे धकेला है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद है, डॉट बॉल। बेहतर गेंद, डिफेंस किया वहाँ पे बल्लेबाज ने, बैक फुट पे आके डॉट बॉल। मिड विकेट की दिशा में खेला है, फील्डर तेजी के साथ गेंद के ऊपर, नहीं दिया कोई मौका रन लेने का। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं हिमांशु। अच्छा कट वहां पे लगाया पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद है तो ये भी रही डॉट बॉल। डॉट बॉल के साथ ही पूरा हो गया ये चौथा ओवर भी। इस ओवर में आए कुल 9 रन, 4 ओवर के बाद जेके टाइगर्स की टीम का स्कोर 28 रन एक विकेट के नुकसान पे। गेंद में कोई खास बुराई नहीं थी, बल्लेबाज का कोई संपर्क नहीं बना, विकेट कीपर भी कलेक्ट नहीं कर पाया उस गेंद को और गेंद निकल गई वहां पे 4 रनों के लिए। बाय के रूप में आई है 4 रन, जुड़ेंगे एक्स्ट्रास में। थोड़ा सा लेट खेला उस शॉट को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, लेकिन फील्डर मौजूद है तो कोई रन आपको नहीं मिलेगा। महेंद्र सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं, मेरा मन करता है कि मैं धोनी भी बोलूं लेकिन कोई बात नहीं। इस बार कवर्स की दिशा में खेला है, गैप थोड़ा सा ढूंढ निकाला था लेकिन फील्डर काफ़ी तेज़ी के साथ गेंद के ऊपर, तो एक ही रन मिलेगा फिलहाल। गौतम कुमार और महेंद्र सिंह दोनों बल्लेबाज हैं पिच पे बने हुए अपनी टीम जेके टाइगर्स के लिए। कवर्स में खेला था, फील्डर मौजूद हैं, डॉट बॉल। काफ़ी ज़्यादा बाहर ऑफ स्टंप से, वाइड का इशारा देते हुए अंपायर। गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, तेजी के साथ दौड़ के लिया एक रन। जीतू जो कि डाल रहे हैं दूसरा ओवर अपने स्पेल का, केवल 7 ही रन दिए उन्होंने। विकेट का खाता बेशक खाली है, चाहेंगे विकेट लेना भी जल्दी से। इस बार लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास खेला है, एक रन आता है इस आखिरी गेंद पे, तो 5 ओवर के बाद जेके टाइगर्स की टीम का स्कोर 36 रन एक विकेट के नुकसान पे। दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो गौतम कुमार पिच पे हैं 5 रन बनाकर, 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया, एक चौका वो लगा चुके हैं अपनी पारी में, और उनका साथ जो निभा रहे हैं वो हैं महेंद्र सिंह। 8 रन पे नाबाद हैं महेंद्र सिंह और 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। थोड़े से स्लो ज़रूर है लेकिन जानते हैं कि विकेट बचा के चलेंगे, आराम से खेलने की ज़रूरत है, कोई जल्दबाजी करने की उनको ज़रूरत नहीं। रिक्वायर्ड रन रेट
केवल 5.8 का है, करंट रन रेट उनका 7.2 का है, तो हबड़ा दबड़ी की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दूर दूर तक, इसलिए संभल के खेल रहे हैं। जानते हैं विकेट बचा के चलेंगे, आसानी के साथ लक्ष्य को पार पा सकते हैं वो। फिलहाल छठा ओवर यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। और इस मैच की, इस ग्राउंड की मैनेजमेंट टीम से हम थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा पानी कृपया भेज दें पीने का पानी, तो आपकी बहुत कृपा होगी। कृपया थोड़ा सा पीने का पानी यहाँ पर भेज दें, धन्यवाद। छठा ओवर यहाँ पे शुरू हुआ है। थोड़ी सी शॉर्ट ओवर लेंथ गेंद, विकेट कीपर को परेशानी थोड़ी सी दिखी यहाँ पे कलेक्ट करने में गेंद को। एक रन दौड़ के लिया बल्लेबाजों ने, और जी हाँ, बाय का इशारा, क्योंकि कोई संपर्क नहीं हुआ था वहाँ पे बल्ले के साथ गेंद का। एक्स्ट्राज में भी ठीक ठाक रन आ रहे हैं, जो कि पसंद नहीं आते हैं बिल्कुल भी गेंदबाजी टीम को, वो दिखाता है कि थोड़ी आपकी फील्डिंग उतनी चुस्त दुरुस्त नहीं है। गेंद जो दिशा है गेंदबाजी की वो भी थोड़ी सी ख़राब, तो वही रन होते हैं जो एक्स्ट्राज में जुड़ते हैं। फिलहाल मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, एक रन तो मिल गया, दूसरा रन भी लेना चाहते थे बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद, मना किया वहाँ पे महेंद्र सिंह ने और कहा कि प्लीज़ आप वापस जाएं, रिस्की हो सकता है दूसरा रन। छोड़ लेन गेंद, भारी किनारा लेकर गेंद जा रही है यहाँ पे थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन फील्डर मौजूद हैं और बचा लिए उन्होंने रन पूरे 3, एक रन जो दौड़ के लिया है बल्लेबाजों ने। तो अब गौतम कुमार आए हैं सिंगल के साथ स्ट्राइक पे वापस, 6 रनों के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं, 10 गेंदों का सामना कर चुके हैं, एक चौका वो लगा चुके हैं। और पहले से वो रेडी थे ऑन साइड पे खेलने के लिए, बहुत ही बड़ा वहां पे गैप डीप बैकवर्ड स्वैरला की दिशा में, गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए, शानदार शॉट, पहले ही रेडी हो गए थे और गेंद भी उनके मन मुताबिक आई। बहुत बड़ा वहां पे गैप, इंतजार कर रहा था उस चौके का। आखिरी गेंद यहां पे डाली जानी बाकी है, मिहिर डालेंगे आखिरी गेंद इस छठे ओवर की, उनके स्पेल का ये पहला ओवर है। और इस बार थोड़ी बेहतर गेंद, और यहाँ पे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला था, फील्डर मौजूद, नहीं लेने दिया एक भी रन। डॉट बॉल के साथ यहाँ पे पूरा होता है ये छठा ओवर, और इस ओवर में आए हैं 7 रन। 6 ओवर के बाद जेके टाइगर्स की टीम का स्कोर 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अस्सी रन दूर है जेके टाइगर्स की टीम इस मुकाबले में जीत से, 84 गेंदें उनके पास हैं, तो रन रेट कोई उनके लिए इशू नहीं है,
और विकेट्स भी उनके लिए कोई खास इशू नहीं, 9 विकेट उनके पास बचे हुए हैं, गेंदें उनके पास हैं, विकेटें उनके पास हैं, दिक्कत की परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है उनके लिए दूर दूर तक फिलहाल इस मुकाबले में। लेकिन देखिए T20 फॉर्मेट है, T20 में कहानी बदलते देर नहीं लगती, एक एक दो दो ओवर्स के अंदर मैच पूरे तरीके से पलट भी जाते हैं, तो ऐसा होने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो खिलाड़ियों को वहाँ पर संभल के खेलने की बहुत ज़रूरत, बेशक आप अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छी सिचुएशन में है ये मैच आपके कंट्रोल में, लेकिन तब भी हर गेंद पे सतर्क रहने की, संभल के खेलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। अच्छी गेंद वहाँ पे लगभग बैकवर्ड पॉइंट थर्ड मैन की दिशा में जा रही थी वो गेंद, फील्डर वहाँ पे मौजूद, कोई रन नहीं मिला। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, पॉइंट की दिशा में खेला गया शॉट, थोड़ी सी मिसफील्ड भी देखने को मिली, एक रन यहाँ पे दौड़ के लेने का मिला मौका। कवर ड्राइव यहाँ पर लगाई है, डीप में फील्डर मौजूद है, एक रन मिलेगा। आराम से गेंदबाजी कर रहे हैं प्रज्ञा शर्मा, और स्ट्राइक पे मौजूद है महेंद्र सिंह, और क्या पंच इन्होंने किया है कवर्स की दिशा में महेंद्र सिंह ने, फील्डर जरूर वहां पे मौजूद, डॉट बॉल। और देखिए जब भी बात आती है महेंद्र सिंह की, मतलब हमें महेंद्र सिंह धोनी याद आ जाते हैं, और उनकी हिटिंग की क्षमता और उनका हार्ड हिटिंग का जो दमखम है वो पूरा वर्ल्ड जानता है, वर्ल्ड क्रिकेट वाकिफ है उनकी हार्ड हिटिंग से, जब वो मन बना लेते हैं हार्ड हिटिंग का, छक्के चौके लगाने का, तो कोई भी गेंदबाज और कोई भी फील्ड सेटअप उनको रोक नहीं पाता। और महेंद्र सिंह की भी अगर हम बात करें, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कंट्रोल में दिख रहे हैं, और निश्चित रूप से उनमें भी क्षमता है बड़े छक्के लगाने की। सीधा खेला इस बार, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद, एक रन मिलेगा। आजो भाई साहब, आपका भी इंटरव्यू लेंगे। आप कौन सी टीम को? हरियाणा मॉन्स्टर्स। अच्छा, अगला मैच आता है कौन सी टीम के साथ? मतलब दूसरी टीम कौन सी? वो इससे डिसाइड होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लगी है क्या? अरे नहीं यार, वो नस का मैच चढ़ गया, क्रैम्प आ गया। भाई क्रैम गर्मियों में ज़्यादा आते हैं, पानी कमी से आता है। हाँ
सिर्फ सिर्फ पानी भी रीजन नहीं है यार, जिम वालों के आते ही है। हाँ आप है ना जिम वाले बंदे भाई बहुत मान लो। अरे वो कहाँ गया फोन का, फोन तो आप लोग कूल डाउन नहीं करते हो, सबसे बड़ी गंदी क्या नहीं करते हैं कूल डाउन। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है भाई, तेजी के साथ दौड़ के लिए आई, एक रन कवर की दिशा में लगाया था वो शॉट महेंद्र सिंह ने। और देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी अच्छी है, अच्छी बल्लेबाजी तो करते ही हैं और रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी अच्छी, पिच के बीच में तेज हैं दौड़ने में। हम तो बस कम ही करते हैं, थोड़ी सी जाके कर ली थोड़ी सी आगे, फर्क इसमें भी पड़ता है ना यार, क्योंकि जैसे नॉर्मल बंदे को 3-4 लीटर पानी में पूरा हो जाता है, हमें चाहिए कम से कम 8-9 लीटर पानी। खेला इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में गौतम ने, एक रन मिलेगा, 8वां ओवर चल रहा है, गेंदबाजी कर रहे हैं मिहिर, अब स्ट्राइक पे वापस आ चुके हैं महेंद्र सिंह। नाम क्या है आपका? नीरज। नीरज पूरा नाम? नीरज अलावा। अरे कुछ भेजा भाई ने, भाई आराम से करो। इस बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला था, फील्डर तेजी के साथ गेंद के ऊपर, कोई रन लेने का मौका नहीं मिला, वहाँ पे डॉट बॉल रही है। और हमारे साथ एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी मौजूद हैं फिलहाल, नीरज अहलावत, जो कि हरियाणा मॉन्स्टर्स की टीम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। इस बार बैकफुट पे आके डिफेंस किया, पॉइंट की दिशा में गई, एक रन लेने का मौका मिला। तो जी हाँ, हम नीरज अहलावत जो कि कप्तान है हरियाणा मॉन्स्टर्स टीम के और फाइनल में बना चुकी है ये टीम जगह, और फिलहाल इंतज़ार कर रहे हैं इस मुकाबले के ख़त्म होने का, क्योंकि जो भी विनर टीम होगी वो भिड़ेगी फाइनल में हरियाणा मॉन्स्टर्स के साथ। और कुछ मैं इस थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्वर्सेशन करना चाहूँगा, कुछ यहाँ पे बात हम करेंगे नीरज अहलावत से। तो नीरज जी, पहले तो आप बताएं कि आपकी टीम फाइनल में जगह बना चुकी है, आप एक कप्तान हो अपनी टीम के, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है फाइनल में जाने का, और आपको कौन सी वो टीम लग रही है जो शायद आपके हिसाब से फाइनल में आपकी टीम को टक्कर देने आएगी? ये तो अभी पता चलेगा, क्योंकि मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट एक ऐसा ही गेम है। बाकी हम बहुत खुश हैं, हमारी टीम बहुत खुश है कि हम फाइनल में जगह बना चुके हैं। बाकी अब इस मैच के बाद देखते हैं कि किस तरह से खेलना है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या है, सब कुछ डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है, और खासकर T20 में तो हम अगर अभी प्रिडिक्ट कर भी ले तो अगले 2-4 ओवर में कहानी बदल भी सकती है फिलहाल। लेकिन अगर देखा जाए तो JK टाइगर्स की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखती हुई, और फिलहाल एक दावेदार वो लग रहे हैं फाइनल में जगह बनाने के, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल तो हम नीरज जी आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं आपके फाइनल मुकाबले के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप अच्छा प्रदर्शन करें, एज अ कप्तान भी आप अच्छा कंट्रीब्यूशन दें अपनी टीम के लिए, और आपकी टीम विजयी बने। फिलहाल इस मैच की हम बात कर लेते हैं। नौवे ओवर की है पहली गेंद, जिस पे 2 रन दौड़ के लेने का मौका मिला। यहाँ पे फील्डर थोड़े से तकलीफ में दिख रहे हैं, शायद वो थोड़े से चोटिल हुए हैं, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल सही हो। और सैंतीस रनों की फिलहाल ये साझेदारी हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, जो कि महेंद्र सिंह और गौतम कुमार। 38 गेंदों में ये 37 रनों की साझेदारी, अच्छी साझेदारी हम इसे कहेंगे, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर JK टाइगर्स की टीम को करने के लिए। रन रेट उनका जो चल रहा है 6.37 का, रिक्वायर्ड रन रेट उनको चाहिए 6 का,
जो कि T20 में मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं, और खास करके तब जब आपके पास 9 विकेट बचे हुए हैं, 12 ओवर का खेल लगभग अभी भी बचा है इस पारी में, इस मैच में। अच्छी गेंद, और गेंदबाज को एक बार ऐसा लगा कि बाहरी किनारा लेकर गई वो गेंद विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन ऐसा शायद उनको सिर्फ लगा, ऐसा हुआ नहीं। गेंद जरूर अच्छी थी, बीट किया वहां पे बल्लेबाज को। नौवां ओवर चल रहा है, प्रज्ञा शर्मा कर रहे हैं गेंदबाजी, दूसरा ओवर उनके स्पेल का। 6 रन दिए अभी तक, विकेट कोई भी नहीं ले पाए अभी तक फिलहाल प्रज्ञा शर्मा, और उनको जरूरत है, उनकी टीम को बहुत ही ज्यादा जरूरत विकेट्स की अगर इस मुकाबले में उनको। अच्छी स्थिति में आना है तो इस बार बैकवर्ड मोड़ की दिशा में खेला, थोड़ा सा मिसफील्ड देखने को मिला, और एक रन देखिए आराम से महेंद्र सिंह जी चलते चलते पूरा कर रहे हैं, जानते हैं उनके पास समय है एक रन लेने का, स्टाइलिश खिलाड़ी हैं, ज़्यादा कोई लोड नहीं लेते अपने ऊपर, ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं लेते, और ऐसा ही करना भी चाहिए एक बल्लेबाज को, उन्हें चिल आउट होकर खेलना चाहिए मैदान पर ताकि वो बेहतर प्रदर्शन दिखा सकें। इस बार थोड़ी रिलैक्स पे ये गेंद, और वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में उठा के मारा, हवा में जरूर रही थी गेंद लेकिन सेफ जोन में गिरी, नो मैंस लैंड में गिरी वो गेंद, कोई फील्डर वहाँ पे मौजूद नहीं था, एक रन इसी के बीच दौड़ के ले लिया बल्लेबाजों ने, और स्ट्राइक पे वापस आया महेंद्र सिंह, एक रन लिया फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में, यहाँ पे लगा लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत खेलते हैं महेंद्र सिंह, सीधे बल्ले से खेलना उनको काफ़ी पसंद, और एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी जितना सीधा बल्ले से खेले उतना ज़्यादा गेंदें कनेक्ट करने में समर्थ रहते हैं, कामयाब रहते हैं। इस बार पॉइंट की दिशा में गई है गेंद, फील्डर मौजूद है, कोई रन लेने का मौका नहीं। ओके ओके ओके, तो 9 ओवर यहाँ पे पूरे होते हैं, जेके टाइगर्स की टीम का स्कोर 55 रन 1 विकेट के नुकसान पे। नौ ओवर के बाद जेके टाइगर्स की टीम का स्कोर 55 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दसवां ओवर यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, इस बार कवर्स की दिशा में खेला और गेंद तेजी के साथ फील्डर को बीट करते हुए निकल गई 4 रनों के लिए, काफी बेहतरीन शॉट ये महेंद्र सिंह के बल्ले से निकलता हुआ। इस बार हल्के हाथों से धकेला वहां पे कवर्स की दिशा में, तेजी के साथ दौड़ के पूरा गया ये रन महेंद्र सिंह ने। जानते हैं कब स्लो दौड़ने की जरूरत है, कब तेज दौड़ने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ
स्लो ही दौड़ना जानते हैं, तेज़ी के साथ रफ्तार के साथ भी दौड़ लेते हैं महेंद्र सिंह, और यही उनकी USP। इस बार स्लोअर वन गेंद, उसको पिक कर लिया लेकिन कोई खास फायदा नहीं, केवल एक ही रन मिलेगा। तीन गेंदें डाली जानी बाकी। फिर से सिमिलर तरीके से यहाँ पे कवर्स की दिशा में धकेला, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल। यहाँ पर विकेट की तलाश में है लगातार दिल्ली जायंट्स की टीम। और इस बार मिड विकेट की दिशा में खेला है, गैप में खेल दिया, कोई फील्डर वहां पे डीप में मौजूद नहीं। चार रन मिलते हुए महेंद्र सिंह, मैं धोनी ऐड करने वाला था, महेंद्र सिंह का बहुत ही बेहतरीन शॉट ये, शानदार चौका। और महेंद्र सिंह एक परेशानी का विषय बने हुए हैं, परेशानी का केंद्र बने हुए हैं फिलहाल दिल्ली जायंट्स की टीम के लिए। वो चाहेंगे यहाँ पर विकेट लेना, विकेट से लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दिल्ली जायंट्स के लिए अगर उन्हें इस मुकाबले में वापसी करनी है तो। इस बार फिर से थोड़ी स्लोअर वन गेंद और अच्छे तरीके से खेला महेंद्र सिंह ने। स्कोर देखो, दस ओवर यहाँ पर पूरे होते हैं। जेके टाइगर्स की टीम का स्कोर 65 रन एक विकेट के नुकसान पे। Thank you.
अपील यहाँ पे हुई और विकेट गिरता हुआ यहाँ पे दूसरा गौतम कुमार यहाँ पर अपना विकेट गवाकर पवेलियन की ओर जाएंगे। थोड़े से नाखुश यहाँ पे दिखते हुए अंपायर के उस डिसीजन से, लेकिन देखिए अंपायर का डिसीजन अंतिम डिसीजन और उसको आपको कैसे ना कैसे मानना ही होता है। दूसरा विकेट फाइनली यहां पर अब गवाया है जेके टाइगर्स ने। पहली गेंद पे यहाँ पे ऑफ द मार्क हुए प्रशांत सिंगल के साथ। दूसरा विकेट जो गिरा था ये मिला था अमित कुमार को उनके स्पेल के पहले ही ओवर में, जो कि फिलहाल चल रहा है। इधर खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद तेजी के साथ रोका गेंद को बाउंड्री पार जाने से। तो एक रन आया इस आखिरी गेंद पे, इस ओवर में आए 5 रन और 1 विकेट। 11 ओवर के बाद जेके टाइगर्स की टीम का स्कोर है 70 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद और अच्छे ही तरीके से खेला वहाँ पे बल्लेबाज प्रशांत ने।
इस बार खेला है ऑन साइड पे, फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल। अच्छी गेंद, बीट किया वहां पे बल्लेबाज को, बल्लेबाज का मन जरूर था वहां पे उस गेंद को ऑफ साइड पे खेलने का, लगभग पॉइंट कवर की दिशा में कट करना चाहते थे लेकिन नहीं बना पाए कोई संपर्क। 12वां ही ओवर चल रहा है इस पारी का। बड़ी हिट यहां पे लगाने की कोशिश, और जी हां गेंद पहुंच गई यहां पे सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए, काव कॉर्नर की दिशा में ये शॉट लगाया है प्रशांत ने। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहला छक्का इस पारी का निकलता हुआ प्रशांत के बल्ले से। इस बार थोड़ी लेग स्टंप पे गेंद, ऑन साइड पे खेला जरूर था, स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद है, नहीं मिला कोई मौका रन लेने का, डॉट बॉल। आखिरी गेंद डालेंगे इस 12वें ओवर की प्रज्ञा शर्मा। आखिरी गेंद भी रही डॉट बॉल, इस ओवर में आए 6 रन 12 ओवर की समाप्ति पर, जेके टाइगर्स हैं 76 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तेरहवें ओवर की शुरुआत हुई है, पॉइंट की दिशा में धकेला था गेंद को महेंद्र ने 1 रन के लिए। कवर्स की दिशा में खेला, खराब फील्डिंग, 1 रन लेने का मौका मिला। देखिए फील्डिंग का स्तर थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है ऐसा मेरा मानना है। उठा के मारा हवा में गेंद, फील्डर थोड़े से दूर रह गए, 1 रन लेने का मौका मिला। महेंद्र सिंह ने खेला था यह शॉट, हवा में गई थी गेंद। देखिए कभी जब बल्लेबाज इस तरह का शॉट खेलता है हवा में गेंद जाती है, फील्डर नीचे दिखता है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था अगर फील्डर नीचे दिखता है हवा में शॉट अगर लगता है बल्लेबाज से, तो थोड़ी सी वहाँ पर हालत ख़राब ज़रूर हो जाती है बल्लेबाज की, ऐसा लगता है कि शायद उनका सफ़र ख़त्म।
कवर्स की दिशा में खेला है, फील्डर है मौजूद डीप में, एक रन मिलेगा। डॉट बॉल, मेरी हाइट है ना फिर पता नहीं चलता। बड़ी हिट लगाने की कोशिश करी थी वहाँ पे बल्लेबाज ने, पॉइंट कवर की दिशा में उठा के मारना चाहते थे, संपर्क नहीं बना गेंद के साथ। बेहतरीन गेंद अंदरूनी किनारा लेकर गई, वहाँ पे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे मौजूद फील्डर के पास, इसी बीच एक रन लेने का भी मिला मौका। शॉर्ट ऑफ लेंथ ये गेंद, इसको खेल दिया है पॉइंट की दिशा में, डीप पॉइंट पे मौजूद है फील्डर, एक रन और जुड़ता हुआ। और इस बार थोड़ा सा लेट खेला और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को बीट करते हुए निकल गई गेंद गैप में, सीमा रेखा पार, चार रनों के लिए। समझदारी भरी बल्लेबाजी यहां पे करते हुए। इधर फिर से खेल दिया है लगभग पॉइंट कवर की दिशा में, एक रन के लिए। एक दो रन भी आराम से अगर यहाँ पे लेते रहेंगे तो कोई खास तकलीफ नहीं, क्योंकि 37 रनों की केवल अब ज़रूरत है 38 गेंदों में। चौदह ओवर यहाँ पे पूरे होते हैं, जेके टाइगर्स की टीम का स्कोर 87 रन दो विकेट के नुकसान पे, 36 गेंदें बची हैं अब इस मुकाबले में, इस पारी में, और 36 ही रनों की ज़रूरत है जेके टाइगर्स को, जो कि यहाँ से आसान दिखते हुए लेकिन अगर कुछ विकेट्स यहाँ पे मिलती हैं दिल्ली जायंट्स की टीम को तो शायद कुछ इस मुकाबले में रोमांच बन सके। हालांकि फ़िलहाल तो दिल्ली जायंट्स की टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत, उनका पलड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी और लगभग पूरे तरीके से उन्होंने इस मुकाबले में अपनी पकड़ बना रखी है। लेकिन देखिए क्रिकेट देखने वाले और ख़ास करके T20 क्रिकेट देखने वाले, T20 क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले लोग हमेशा ही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनको रोमांच देखने को मिले मुकाबले में, और गेम थोड़ा बहुत पलटे, कोई भी एक तरफा मुकाबला नहीं देखना चाहता। देखिए खिलाड़ी ज़रूर चाहते हैं कि मैच उनके फेवर में पूरे तरीके से आए, लेकिन अगर हम बात करें दर्शकों की, जो भी उस
खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, उस मुकाबले में इंटरेस्ट रखते हैं, वो चाहते हैं कि मुकाबला थोड़ा सा रोमांचक ज़रूर हो। इस बार इसको खेला है गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में एक रन के लिए, और स्ट्राइक अप वापस संभालेंगे महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह की अगर बात की जाए तो 31 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं, 41 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 3 चौके लगाए हैं, बड़ी समझबूझ के साथ खेल रहे हैं, रुक के खेल रहे हैं, समय उन्होंने लिया है अपना। और फिर से इस बार लगभग मिड विकेट की दिशा में खेला है एक रन के लिए। 15वां ये ओवर चल रहा है, और गेंदबाजी कर रहे हैं अमित कुमार। अमित कुमार जिन्होंने एक विकेट लिया है अभी तक अपने स्पेल में, अच्छी गेंदबाजी आज करी है, और सीधा खेल दिया है, और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने क्या स्टाइल में वहां पे स्लाइड करके रोका उस गेंद को, और केवल एक ही रन लेने का मौका दिया वहां पे बल्लेबाजों को। शॉट काफी अच्छा जरूर था, और इस बार कवर्स की दिशा में खेला है, डीप में फील्डर मौजूद, दूसरा रन तेजी के साथ दौड़ने की कोशिश, काफी रिस्की हो सकता है, और समय रहते यहां पे पहुंच गए बल्लेबाज महेंद्र सिंह क्रीज के अंदर, थोड़े से वहां पे लेट हो गए विकेटकीपर गेंद को स्टंप्स पे लगाने से, अगर वहां पे डायरेक्ट हिट होती तो निश्चित रूप से महेंद्र सिंह शायद हमें पवेलियन की ओर जाते हुए दिखते, लेकिन भाग्य का उनको थोड़ा साथ जरूर मिला है। इस बार खेल दिया महेंद्र ने लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन मिलेगा। पंद्रह ओवर पूरे होते हैं, जेके टाइगर्स की टीम का स्कोर 93 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 30 रन 30 ही गेंदों में अब चाहिए, 6 के रन रेट की ज़रूरत जो उनके लिए मेंटेन करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। 8 विकेट आपके पास बचे हुए हैं, तकलीफ बिल्कुल भी नहीं दिखती हुई फिलहाल इस टीम के लिए जो कि है जेके टाइगर्स। सोलवा ओवर यहाँ पे शुरू हुआ है, पहली ये गेंद इसको भेज दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में महेंद्र सिंह ने, और पहली गेंद पे यहाँ पे सिंगल लिया है, और स्ट्राइक पे वापस आए हैं प्रशांत। फिर से इस गेंद को भेजा है वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक और रन जुड़ेगा।
बड़ी हिट वहां पे लगाना चाहते थे महेंद्र सिंह, एक अपील जरूर करी है गेंदबाजी टीम ने। उनका ऐसा मानना कि शायद वहां पे कुछ किनारा लगाओ, लेकिन अंपायर ने दिया नॉट आउट। गेंद काफी दूर रही थी वहां बल्ले से। फिर से बड़ी हिट लगाने की कोशिश, गेंद हवा में और यहां पे कैच आउट हो बैठे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में मौजूद थे फील्डर। तो फाइनली यहां पर विकेट गवा दिया है महेंद्र सिंह ने। 36 रन बनाए उन्होंने 47 गेंदों में और फाइनली आउट होकर पवेलियन की ओर बढ़ते हुए। तो तीसरा विकेट गवाया अब जेके टाइगर्स की टीम ने 95 रनों पे। जीत 28 रन दूर है अभी भी जेके टाइगर्स से। भाई अपडेट क्यों नहीं हो रहा? लेग स्टंप छोड़ के काफी बार वो गेंद वाइड का इशारा दिया अंपायर ने। और यहाँ पे दूसरा रन लेने का मन बनाया था लेकिन फिसल गए वहाँ पर बल्लेबाज और दूसरा रन नहीं ले पाए इसी की वजह से। बल्लेबाज प्रशांत वहां पर रन लेते हुए फिसल गए और थोड़ी सी शायद तकलीफ में दिखते हुए। हम उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, कोई उन्हें खास प्रॉब्लम नहीं हुई और शायद ऐसा लग भी रहा है कि कोई खास वहां पे परेशानी की ज़रूरत नहीं, और जो कि एक अच्छी बात भी कि प्रशांत फिट एंड फाइन है, कोई खास दिक्कत नहीं। और देखिए इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ी बहुत छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं क्रिकेट फील्ड पे, स्पोर्ट्स में, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई गंभीर विषय नहीं और वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है और कंटिन्यू करेंगे अपनी पारी को, अपनी बल्लेबाजी को। और ज़रूरत भी है उनकी टीम को, उनकी काफ़ी अहम यह मुकाबला उनकी टीम के लिए। 20 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं वो। I don't know.
नेटवर्क लाओ ना भाई, भाई खाना खाने को देंगे तुझे हम, तुमसे बड़े फैंसी लगा था और क्या, कुछ भी छोड़ रहा था, देख रहा था, जिंदा तो रख रहा था। भाई देखो इसको यार, बीमार है क्या, अपडेट क्यों नहीं हो रहा। 16 ओवर के बाद जेके टाइगर्स की टीम का स्कोर है 98 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 25 रनों की जरूरत है 24 गेंदों में। बड़ी हिट लगाने की कोशिश में यहां पर विकेट गवा दिया और क्लीन बोल्ड होकर अब पवेलियन की ओर बढ़ते हुए बल्लेबाज प्रशांत, चौथा विकेट यहां पर गवा दिया है जेके टाइगर्स की टीम ने। और मैं आपको बता दूं कि 25 रनों की अभी भी ज़रूरत है, 23 गेंदे हैं बची हुई जेके टाइगर्स के पास, रन रेट कोई इशू नहीं और विकटें भी काफ़ी हद तक कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर एक दो विकेट और गवा देती है जेके टाइगर्स की टीम तो ये मैच बुरे तरीके से फंस सकता है। और यहाँ पे अभी भी मैं कहूँगा कि दिल्ली जायंट्स को कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद की किरण ज़रूर दिखी है इस मुकाबले में वापसी की इस विकेट के साथ। 25 रनों की ज़रूरत है जेके टाइगर्स को, 23 गेंदे उनके पास हैं, 4 विकेट उन्होंने गवा दिए हैं। नए बल्लेबाज आए हैं अक्षय वर्मा, दोनों ही बल्लेबाज रिलेटिवली नए, अजय डैनियल और अक्षय वर्मा। पॉइंट की दिशा में खेला है फील्डर तेजी के साथ, गेंद के ऊपर नहीं मिला कोई मौका रन लेने का। तो जी हां देखिए दोनों ही बल्लेबाज नए हैं, कुछ टाइम ज़रूर लेंगे यहाँ पे सेट होने का, जिसके बीच यू नो तकलीफ में डालने की कोशिश ज़रूर करेगी दिल्ली जायंट्स की टीम। वो जानते हैं दोनों बल्लेबाज नए हैं, नहीं हैं वाकिफ यहाँ पर इस पिच के साथ, गेंदबाजियों के साथ, गेंदबाजी के साथ, जिसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। रन लेने का कोई मौका नहीं वहाँ पे दिया गेंदबाज ने। डॉट बॉल रंदरूनी किनारा लेकर गेंद यहाँ पे थर्ड मैन की दिशा में गई, एक रन ही केवल मिल पाएगा। अजय डैनियल यहाँ पर अब आए हैं स्ट्राइक पे, सामना करेंगे गेंदबाज अमित कुमार का इस 17 ओवर के आखिरी गेंद पे। स्टेप आउट करके खेलने को जी कवर के दिशा में लगा था, तेजी के साथ रन लेते हुए डायरेक्ट यहां पे ओवरथ्रो के 4 रन मिलते हुए। डायरेक्ट हिट नहीं हुई ऐसा हमें लगा, माफी चाहेंगे। डायरेक्ट हिट के 4 रन प्लस 1 रन जो वहां पे बल्लेबाजों ने दौड़ के लिए, तो 5 रन यहां पर आए हैं बाय के रूप में टोटल। सत्रह ओवर यहाँ पे पूरे हुए, 104 रन 4 विकेट के नुकसान पे है जेके टाइगर्स। उन्नीस रनों की अब जरूरत है 18 गेंदों में, यानी कि 3 ओवर अब बचे हुए हैं। 19 रन जेके टाइगर्स को बनाने होंगे इस मुकाबले में जीतने के लिए और फाइनल्स में अपनी जगह बनाने के लिए।
अजय डैनियल स्ट्राइक पे मौजूद। और गेंदबाजी यहां पर करने आए हैं अमित कुमार, जो कि डाल रहे हैं चौथा ओवर और आखिरी ओवर उनके स्पेल का। सामना करेंगे उनका अजय डैनियल। और यहां पर बोल्ड कर दिया अजय डैनियल को, जाना होगा उन्हें पवेलियन की ओर। पांचवा विकेट गवा दिया है जेके टाइगर्स ने माफ कीजिएगा। देखते ही पिछले कुछ विकेट्स काफी कम अंतराल पर गिरे हैं और मिहिर डाल रहे हैं ओवर। मिहिर को मिला है उनका पहला विकेट, चौथा ओवर, ये आखिरी ओवर उनके स्पेल का, पारी का ये 18वां ओवर चलता हुआ। जेके टाइगर्स की टीम अभी भी दूर है पूरे 19 रनों से इस जीत से। 17 गेंदें उनके पास हैं और ये मुकाबला देखिए अभी भी काफ़ी हद तक, वैसे तो जेके टाइगर्स इस मुकाबले में ऊपर है, उनके पास अभी भी अपर हैंड है। 5 विकेट अभी भी उनके पास हैं, 19 रन उन्हें चाहिए, 17 गेंदें हैं उनके पास। लेकिन जिस प्रकार, जिस हिसाब से पिछले कुछ ओवर्स घटे हैं, पिछली कुछ विकेट्स लगातार रफ्तार के साथ गिरी हैं, दोनों बल्लेबाज नए हैं, तो यहाँ से देखिए ऐसा हो सकता है ये मैच किसी भी टीम की तरफ झुक जाए। फिलहाल नए बल्लेबाज आए हैं गोल्डी, पॉइंट करके दिशा में लगाया, खराब फील्डिंग, अरे एक रन लेने का मौका मिला यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको फील्डिंग अच्छी रखनी होगी, जो मोमेंटम थोड़ा बहुत आपकी तरफ शिफ्ट हुआ है उसको आप इस तरीके से नहीं निकलने दे सकते। वहीं जेके टाइगर्स की टीम की कोशिश होगी कि फटाफट से ये रन्स बनाए जाएं कुछ ही गेंदों के अंदर, ताकि प्रेशर बिल्ड ना हो। देखिए थोड़े से प्रेशर में, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, थोड़े से प्रेशर में तो वो भी आए हैं। लेकिन कुल मिला के अभी भी उनके पास अपर हैंड है। शॉर्ट लाइन गेंद, मिड विकेट दिशा में खेला है, नहीं पकड़ पाए फील्डर, गैप में जा रही है गेंद और दो रन यहां पे तेजी के साथ दौड़ के पूरे किए। तीसरा रन लेने का मन जरूर बना रहे थे लेकिन रिस्की हो सकता था काफी ज्यादा, मना किया वहां पे स्ट्राइक मौजूद बल्लेबाज अक्षय वर्मा ने, वापस भेजा गोल्डी को। और सही डिसीजन, देखिए तीसरा रन रिस्की हो सकता था काफ़ी ज़्यादा और आपको ऐसे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल कोई बहुत कम गेंदों में बहुत ज़्यादा रन्स नहीं आपको चाहिए, आपको 15 गेंदों में 16 रन चाहिए, गेंदें आपके पास हैं काफ़ी। T20 स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको कंफर्टेबल पोजीशन बोला जाता है। और एक और विकेट गंवा दिया यहाँ पे, क्लीन बोल्ड हो गए, अक्षय वर्मा जा रहे हैं पवेलियन की ओर, छठा विकेट भी गवा दिया यहाँ पे। देखिए कोई ऐसे जोखिम भरे शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, गैर जिम्मेदाराना शॉट यहाँ पर खेलकर आउट होकर जाते हुए अब अक्षय वर्मा, उन्होंने बनाए 3 रन 6 गेंदों में। और नए बल्लेबाज अब आ रहे हैं मैदान में पिच की तरफ, मोहसिन अली, 6 विकेट डाउन हो चुके हैं जेके टाइगर्स, 16 रन अभी भी दूर है उनकी टीम, 14 गेंदों में बनाने होंगे ये 16 रन, काफ़ी अहम ये मुकाबला। इसको जो भी टीम जीतेगी जाएगी सीधा फाइनल मुकाबला खेलने और फाइनल में उनका सामना होगा हरियाणा मॉन्स्टर्स की टीम के साथ। काफ़ी खतरनाक है नाम इस टीम का और मुकाबला भी खतरनाक होने की काफी उम्मीद हम करते हैं। मोहसिन अली फिलहाल संभालेंगे स्ट्राइक।
और यहाँ पे बाल बाल बचे मोहसिन अली। देखिए पता नहीं मुझे क्या जल्दी हो रही है उनको रन बनाने की, यहाँ पे आपको 4-6 गेंदों में नहीं बनाने 12-16 रन आपके पास हैं अभी। इस गेंद को अगर हटा दिया जाए जो अभी अभी डली है तो 13 गेंदें अभी भी हैं और 16 रन बनाने हैं जेके टाइगर्स को, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत। और यहाँ पे थोड़ा सा स्कूप शॉट ट्राई करा वहाँ पे बल्लेबाज ने और देखिए फल भी मिला है उनको, 4 रन उनको मिल गए हैं। लगभग फाइन लेग की दिशा में उन्होंने खेला वो शॉट, फाइन लेग बैकवर्ड स्क्वायर लेग की इसी दिशा में गए वो 4 रन जो उन्होंने ट्राई किया, जो वो चाहते थे उस गेंद से वैसा ही उनको फल भी मिला, 4 रन उनको आए और थोड़ा प्रेशर ज़रूर रिलीज हुआ है। 18 ओवर इसी के साथ पूरे होते हैं, जेके टाइगर्स का स्कोर है 111 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 12 रन चाहिए होंगे 12 गेंदों में, अगर बनाते हैं तो जीतेंगे ये मुकाबला और जाएंगे सीधा फाइनल खेलने। और फाइनल में जो भी टीम पहुंचेगी उनका इंतज़ार कर रही है हरियाणा मॉन्स्टर्स। देखिए शुरुआत में जिस तरीके से जेके टाइगर्स की टीम बल्लेबाजी कर रही थी, शुरुआत तेज तरार उन्होंने करी थी, पार्टनरशिप एक अच्छी हुई थी, बाद में थोड़े स्लो ज़रूर हुए थे लेकिन विकेट बचाकर चल रहे थे जब तक महेंद्र सिंह और प्रशांत बल्लेबाजी कर रहे थे, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान लग रही थी। लेकिन जब से महेंद्र सिंह आउट हुए हैं तब से विकेट्स गिरने का सिलसिला जारी रहा है और परेशानी में आई है जेके टाइगर्स की टीम। थोड़े 12 गेंदों में 12 रनों की ज़रूरत है, 6 विकेट डाउन है, पलड़ा अभी भी जेके टाइगर्स का थोड़ा भारी है लेकिन यहाँ पे किसी भी एक टीम को 100% फेवरेट नहीं माना जा सकता, ये मुकाबला यहाँ से भी कहीं भी जा सकता है। और गोल्डी के बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद निकल गई है फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए, महत्वपूर्ण ये 4 रन आते हुए जेके टाइगर्स के लिए। गोल्डी के बल्ले से निकला ये शानदार चौका, देखिए शॉट अच्छा बेशक ना हो, टाइमिंग बेशक उतना अच्छा ना हो, कनेक्शन बेशक मिडल में ना हुआ हो, लेकिन रन जरूर मिले हैं 4 और रनों की बहुत ज्यादा जरूरत जेके टाइगर्स को और दिल्ली जायंट्स की टीम को जरूरत है विकेटों की। और एक रन यहां पे लेना चाहते थे और यहां पे एक आसान विकेट मिल गया, रन आउट, एक तरह सुसाइड रन आउट यहां पे। और 7वां विकेट यहां पर गवाया जेके टाइगर्स की टीम ने और मोहसिन अली आउट होकर अब पवेलियन की ओर बढ़ते हुए 7 विकेट अब डाउन है जेके टाइगर्स, लेकिन ज़्यादा रन अब उनको नहीं चाहिए, केवल 8 रनों की उनको ज़रूरत है 10 गेंदों में। अगर 2 हिट अच्छे लगते हैं यानी कि अगर वैसे बोला जाए 2 हिट अवे हैं, 2 बाउंड्री और मैच उनके लिए ख़त्म, यानी कि उनके लिए ख़त्म मतलब कि वो जीत जाएंगे इस मुकाबले को, लेकिन दिल्ली जायंट्स की टीम चाहेगी कि ये 8 रन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल करे जाएँ। और बहुत ही बढ़िया बॉल एंड बट वेरी वेल प्लेड बाय गोल्डी। गोल्डी को यहां पे बने रहना होगा और समझदारी वाला शॉट खेला है, बल्ले का पूरा फेस दिखाया गेंद को और उसको भेजा है वहां पर वाइड लॉन्ग ऑफ में मौजूद फील्डर के पास एक रन के लिए। नए बल्लेबाज हैं सनोज, सनोज ने गेंदबाजी तो बहुत ही शानदार करी थी आज मुकाबले में, देखना होगा बल्लेबाजी कैसे करते हैं, हालांकि 7 रन दूर है सिर्फ अब जेके टाइगर्स।
only 7 runs away from the victory. बड़ी हिट यहां पे लगाने की कोशिश, कहां कोने की दिशा में गेंद, सीमा रहेगा पार, चार रनों के लिए। तो सनोज ने ना सिर्फ आज गेंदबाजी शानदार करी है बल्कि आते साथ पहली गेंद पर चौका लगाया और अपनी टीम को और भी ज्यादा नजदीक पहुंचा दिया है जीत के। अब केवल 3 रन दूर है जेके टाइगर्स इस मुकाबले को जीतने से। वंडरफुल शॉट बाय सनोज, एग्जैक्टली व्हाट जेके टाइगर्स नीड राइट नाउ। केवल 3 रनों की अब जरूरत, पूरी 7 गेंदें आपके पास, अब कोई टेंशन नहीं है जेके टाइगर्स को। एक और बाउंड्री लगाएंगे सनोज और इस मुकाबले को अपनी टीम की ओर पूरे तरीके से कर देंगे, जिता देंगे अपनी टीम को। दिल्ली जायंट्स ने आज कोशिश बहुत अच्छी करी लेकिन कहीं ना कहीं कम रही वो कोशिश थोड़ी। और मिड विकेट को फील्डर को बीट करते हुए गेंद फिर से निकल रही है गैप में, 2 रन फिलहाल तेजी के साथ दौड़ के पूरे करे और स्कोर्स आर नाउ लेवल, केवल 1 रन अब दूर है जेके टाइगर्स इस मुकाबले को जीतने से, फाइनल में जगह बनाने से, ओनली 1 रन अवे। आखिरी ओवर बचा है, 6 गेंदें और 1 रन, 3 विकेटें पूरी बची हुई हैं जेके टाइगर्स के पास और यहां से अब कोई गुंजाइश नहीं बची है दिल्ली जायंट्स के लिए इस मुकाबले को अपनी ओर करने की। देखिए टाई ज़रूर हो सकता है लेकिन उसकी भी गुंजाइश बहुत ही ज़्यादा कम। जी हाँ, मैंने थोड़ी सी आवाज़ सुनी कि 0.1% की गुंजाइश कही जा सकती है, बिल्कुल सही बात। लेकिन देखिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांसेस हैं कि ऐसा कुछ हो। और यहाँ पे गैप में थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकल गई है सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए और इस मुकाबले को जीत लिया है जेके टाइगर्स ने फाइनली 3 विकेट से। तो कांग्रेचुलेशंस टू द विनिंग टीम और इन्होंने जगह बनाई है अब फाइनल में। और हार्ड लक टू दिल्ली जायंट्स, उन्होंने अच्छी कोशिश करी पहली इनिंग में, उनके विकेट काफी तेजी के साथ गिरे थे, उसके बावजूद उन्होंने थोड़ा एक सम्मानजनक टोटल खड़ा किया था 122 का। गेंदबाजी आज उनकी कुछ ज्यादा खास नहीं रह पाई, फील्डिंग भी बेहतर की जा सकती है, हालांकि उसके बावजूद भी बीच में कुछ ओवर्स उन्होंने अच्छे डाले, विकेट ली और कहीं ना कहीं मैच 50-50 जैसा चल रहा था, लेवल हो चुका था। लेकिन जेके टाइगर्स ने अच्छा हैंडल किया सिचुएशन को और विक्टोरियस बनके निकले हैं इस मुकाबले को, जीता है उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। और अब उनका मुकाबला होगा हरियाणा मॉन्स्टर्स के साथ। तुम्हारी तो नहीं है ना बोतल है भाई, तुम्हारी तो नहीं है ना बोतल, ये वाली, ये जो नीचे जो रखी है, ये तुम्हारी होगी पक्का। तेरी मेरी तुम छोड़ के गई क्या, कुछ भी नहीं छोड़ के, अब चलना है क्या वहाँ, अब ये लिखना होगा क्या, क्या अवार्ड है क्या नहीं है, ये वही बताएंगे ना, उनसे कहते ना भाई उसको एक बार मैसेज करता था, मैं व्हाट्सअप करके बता दूँ किसको क्या अवार्ड देना, भेज दो भाई उसको, भेज दो यार, तुम जल्दी करोगे तभी वो भी अगला मैच जीतेगा। वो तो कुछ नहीं करना अभी, नहीं करना कुछ अभी, पेनल्टी करनी है दूसरी मैच। अच्छा तो अभी वो नहीं देना अवार्ड, उसको अवार्ड ऊपर आप दे लेंगे, हर दफा वो करने पे पड़े, मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है बुलाएंगे वो, मुझे नहीं बुलाएंगे, कंफर्म तो कर लो यार। अरे भैया बैठो, चलो भाई ये तो मेरे लिए तो अच्छी बात है।